चलो बात ना करो, देखो क्लास नंबर 3 हमारे देख लो, व्याकरण के बारे में समझ रहे हैं। हेलो ए चुप जाओ, बात ना करो। हिंदी वर्णमाला, आज वर्णमाला के बारे में समझेंगे। आज सबर वाला टॉपिक सारा खत्म कर लेंगे, बहुत आराम आराम से समझना, बहुत आराम। इसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी, इसके बाद मैं चैप्टर बदल दूंगा, मैं याद करवा दूंगा पूरा, डेढ़ घंटे के अंदर सारा याद करवाऊंगा तुम्हारे। चुपचाप बैठे रहो, शांति से सुनते रहना, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले खास बात पता क्या है, जो व्याकरण हो, व्याकरण हो इस शब्द को तोड़ लो, इससे सवाल आ जा कभी कभी। जो व्याकरण हो इस शब्द को तोड़ लो, व्याकरण का मतलब क्या हो, किस चीज़ को हम व्याकरण क्या हो, क्या या क्या हो ग्रामर, किस चीज़ को हम ग्रामर क्या हो, इंग्लिश में पढ़ा हिंदी पढ़ा रहा हूँ, क्या हो व्याकरण, किस चीज़ को हम व्याकरण कहते हैं, इसका शाब्दिक विच्छेद कर लो। वी प्लस क्यों, तो क्या बैठा का शाब्दिक विच्छेद का, वी प्लस आ प्लस आ प्लस करण, इसका मतलब हो व्याकरण। अच्छा इसका मतलब क्या हो सर जी, इसका मतलब हो किसी भी चीज को अच्छे प्रकार से समझना, सही बात है, सुव्यवस्थित या सुनिश्चित तरीके से समझने की कोशिश करना, उसे व्याकरण कहते हैं। अच्छा ये पेपर में आगा नहीं आगा, इस शब्द का विच्छेद आ जा, कभी आया तो आ जाएगा। अब सवाल क्या है, इसका मतलब क्या हो, अच्छे प्रकार से जानना, क्या हो अच्छे प्रकार से जानना, अच्छे प्रकार से जानना। अच्छा दूसरा इससे क्या सवाल पूछेगा, इसका मतलब क्या हो, व्याकरण हो क्या है, किस चीज को व्याकरण कहे। भाई जी आपके हाथ में जो किताब है ये क्या बला, ये तो एक प्रकार की किताब, हाँ किताब, तो इसमें व्याकरण, हाँ जी व्याकरण है इसमें। अच्छा किस क्या हम व्याकरण हो क्या, क्या बला हो व्याकरण, व्याकरण को हम यू भी कह सको, अगर कोई तुमसे पूछे यार व्याकरण की परिभाषा क्या है, तुम पूछो क्या परिभाषा, डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक ध्यान से सुन लो, पूरा पूरा समझाऊंगा, सारा सारा याद करवा दूंगा। किस चीज को हम व्याकरण कहते हैं, यार व्याकरण पता क्या हो, एक प्रकार का ग्रंथ हो, अरे ग्रंथ छोड़े काम लोग पुस्तक बता दो, पुस्तक ठीक, पुस्तक छोड़ो विधा कह दो, विधा क्या हो एक प्रकार की विधा, ये संस्करण कह दो, क्या कह दो संस्करण, ठीक तो और क्या कह सको, कई सारे नाम हो सको, क्या कृति भी कह सको, रचना भी कह सको, कई सारे नाम है इसके। तो अगर तुमसे कोई कुछ कि व्याकरण क्या हो, व्याकरण शब्द का मतलब हो वी प्लस आ प्लस करण, इसका मतलब हो किसी भी चीज को अच्छे प्रकार से जानना, वो व्याकरण कहलावा, सुव्यवस्थित तरीके से जानना। अच्छा परिभाषा क्या हो, एक प्रकार का ग्रंथ हो, व्याकरण क्या हो एक प्रकार की विधा, विधा नहीं कह सकते कह दो ग्रंथ एक प्रकार का, यू नहीं कह सकते यूं कह दो एक प्रकार का संस्करण। अच्छा अगर चलो गुरु जी और बताओ और इसके बारे में क्या जानना, ध्यान समझना अच्छे तरीके से, ये ग्रंथ इस ग्रंथ से हम सीखते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इससे किसी इस व्याकरण से हम किस चीज़ की जानकारी मिलती है, सबसे जानकारी किस चीज़ की मिलेगी, मतलब अगर हमें जानकारी मिलेगी, जानकारी किस चीज की जानकारी मिलेगी इस व्याकरण से इस पुस्तक का, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, पता किसकी जानकारी मिलेगी, यार जो भी तुम भाषा बोलते हो ना उसका ना शुद्ध उच्चारण कर सकते हो, तुम शुद्ध बोल सकते हो, अगर तुम्हें किसी भाषा की व्याकरण पता, तुम उसकी ग्रामर पता, यार तुम इंग्लिश सीखने ना तुम उसका ग्रामर उसकी पूरी ग्रामर आनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण कर सकते हो, तुम शुद्ध तरीके से बोल सकते हो। पहला काम होगा पता क्या होगा, उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण पहला काम होगा, शुद्ध उच्चारण की जानकारी मिलेगी, किसकी शुद्ध उच्चारण की, उच्चारण का मतलब क्या हो बोलना, ये सर नो दूसरे नंबर पर, यार जब शुद्ध उच्चारण करना सीखोगे ना तुम, जब शुद्ध उच्चारण करना तो शुद्ध लिखना भी तो सीखोगे, शुद्ध लेखन की जानकारी मिलेगी, किसकी शुद्ध लेखन की, अभी तुम्हारा लेखन भी सुधर जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें तुम हिंदी में लिखते रहते आज तक गलती कर रहे थे अब सही करोगे, समझी बात है। एक चैप्टर और जोड़ रहा हूँ इसके साथ में, विराम चिन्ह ये भी देख लो, इसमें एक सवाल पक्का नहीं आना, विराम चिन्ह इसके साथ ही जोड़ रहा हूँ इस चैप्टर को, समझ में बात है, कल को खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा का पूरा, चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 2 मान लो तुम्हारे पास, चैप्टर नंबर कौन सा है 2, शुरू में जो सिलेबस लिखवाया था छोड़ दो, समझ आई बात यार, ठीक तो जो मेरे मुंह आता रहेगा वही पढ़ाता रहूंगा मैं, तो वर्णमाला हो गया, वर्णमाला प्लस विराम चिन्ह, इन दोनों चैप्टर को मैं जोड़कर पढ़ा रहा हूँ, याद रहेगी बात यार, ठीक तो शुद्ध लेखन की जानकारी मिलेगी। अच्छा और किस चीज की जानकारी मिलेगी, अरे यार किसी वाक्य को किसी भी चीज को शुद्ध तरीके से प्रयोग करना, कौन सी चीज कहाँ लिखनी कौन सी नहीं लिखनी, अरे एक बात बताओ एक रूढ़ की कैसे लिखते हो, ROORKEE ऐसे लिखते हो रूढ़ की, अब वैसे कैसे लिखते हो रूढ़ की, अब बताओ सही है गलत, सही बात यार, वो तो रूढ़ की बैठेगा ना, उसे पढ़ोगे इंग्लिश में, इंग्लिश से पढ़ो ना सर, रूढ़ की उसमें तो डी है नहीं, ROORKEE आता रूढ़की, फिर यहाँ रूढ़की क्यों बोल रहे हो, रूढ़की होना चाहिए ना, सही बात है, जानकारी नहीं है तुम, यही समझना तुम, इंग्लिश की जानकारी नहीं है तुम, यही समझना तुम, समझना ही बात है, कैसे होगा वो, हिंदी जानकारी है इंग्लिश की जानकारी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की तुम्हें ग्रामर नहीं पता, तो किसी भाषा को समझने के लिए जरूरी हो क्या ग्रामर, अगर ग्रामर तुम्हें पता होगी व्याकरण पता होगी, अगर व्याकरण पता होगी तो उसका तुम शुद्ध उच्चारण कर सकोगे, शुद्ध लिख सकोगे, शुद्ध प्रयोग भी कर सकोगे उसका, समझ में आया नहीं, शुद्ध प्रयोग भी कर सकोगे, ये सर नो वो दिक्कत यहाँ तक, चलो यहाँ तक तो पता लग चुका। अब जो पूरी व्याकरण पूरी हिंदी की जो व्याकरण है उसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं, व्याकरण मेरे हिसाब से अभी खत्म हो जाएगी, अब फिर किसी भी किताब से जाकर पढ़ लो, लिखो खत्म होगी अभी, 1-2-3 लाइन लिख रहा हूँ, 2 लाइन लिख रहा हूँ तो व्याकरण खत्म होगी, देख लो मजा नहीं कर रहा, देखो खत्म होगी व्याकरण, जो व्याकरण हमारे पास या हाँ व्याकरण, ध्यान से व्याकरण इसके 3 भागों में बांट लो, पहला दूसरा यही पढ़ेंगे हम, कुछ भी पढ़ोगे सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा, कुछ भी पढ़ोगे व्याकरण को सभी अंदर ही आएगा, कुछ भी पढ़ो चाहे,
पहले नंबर पर हो सका, पहले नंबर पर जो बांटते हैं उसका नाम हो वर्ण, वर्ण खाली क्या हो वर्ण। दूसरे नंबर पर हम जो पढ़ते हैं उसका नाम हो शब्द, शब्द। और तीसरे नंबर पर हमारे पास वाक्य, वाक्य, वाक्य का नहीं वाक्य है, याद रहे ये बात है। ए, बात ना करो, इधर देखो, सब पहले नंबर पर क्या हो वर्ण, दूसरे नंबर पर क्या हो शब्द, तीसरे नंबर पर क्या हो वाक्य। अरे यार तुम कोई भी कुछ भी बोल रहे हो, तुम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है तुम अपने भाड़ में जाओ सारे के सारे। तो ये क्या है वाक्य, तो कैसे बना वाक्य, मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, करता हूं, क्या है वाक्य, यार ये वाक्य कैसे बना है, ऐसा बना है, यो एक शब्द, यो रहा एक और शब्द, यो रहा एक और शब्द, शब्द 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 दोनों मिलकर क्या बना दिया वाक्य, बना दिया। अच्छा ये बन गया वाक्य, ये तो बड़ी बात है। अच्छा शब्द को पकड़ लो, इसके अंदर क्या है, मैं घमंड नहीं है, मैं गाँव में मैं की भाषा का मतलब ईगो हो, समझने की बात है। यो क्या है एक प्रकार का वर्ण, वर्णों से मिलकर बनेगा शब्द और शब्द से मिलकर बनेगा वाक्य और व्याकरण खत्म। अब भाषा सीख गए, व्याकरण क्यों पढ़ता, क्योंकि भाषा सीख सका तो खत्म होगी, बस हिंदी खत्म होगी, नहीं समझेगा क्या कर रही हो, समझे क्या कहा, सबसे सबसे छोटी चीज क्या होगी वर्ण, अगर वर्ण को आपस में जोड़ते चले जाएंगे वर्ण क्या हो, आज यही समझेंगे वर्ण क्या हो, इसी चीज को तो मैंने डिबेट आज वर्ण क्या हो, और हम आराम से समझेंगे बड़े प्यार के साथ, जब डेप्थ समझ हो जाएगी ना धीरे धीरे, फिर जोड़ना सीख जाओगे, बुद्धि काम करनी जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त बुद्धि काम करनी जरूरी है, कितना रटोगे, रट नहीं सकते, अब देख सारा याद हो जाएगा तुम्हारे के पूरा का पूरा, अब कभी भूलने के भी नहीं, समझेंगे बात है, तो ट्रिक्स से भी याद करेंगे। वर्ण, वर्ण ये म अ क ख ग ये सब वर्ण ही तो, अच्छा वर्ण की परिभाषा पूछ रहे पेपर में, हाँ पूछी हुई वो भी बताएंगे भी, अच्छा वर्ण, वर्ण से मिले क्या बनेगा शब्द, ऐसे चलेगा कर्म, और शब्द से मिले क्या बनेगा वाक्य, कुछ भी पढ़ोगे व्याकरण के अंदर सब इन तीन बिंदु के अंदर ही पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे व्याकरण का कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो सब इन तीनों के अंदर पढ़ोगे, समझ में आई बात है, लिखा हुआ ना ऊपर व्याकरण, तो व्याकरण को बताओ कितने भागों में बांट सकता हूँ, तीन भागों में, समय अध्ययन की सुविधा के लिए वर्ण शब्द और वाक्य और हिंदी खत्म, कुछ भी पढ़ लो सब इनके अंदर समाहित हो जाएगा, ये सुनो, चलो ये तो बढ़िया, फिर तो एक काम करो छोड़ दो पढ़ाना, फिर सही बात हम खुद पढ़ लेंगे, किताब से पढ़ लो, हाँ किताब से पढ़ लो क्या दिक्कत हो रही, वर्ण वाला चैप्टर पढ़ो, खोल लो जाओ वर्ण के अंदर ही पढ़ोगे, जितना बहुत सारा रायता फैल जाएगा, इसका रायता फैल जाएगा पूरा का पूरा, होच पोच की स्थिति हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जिग जैग हो जाएगा, जिग जैग हो ना, पढ़ते पढ़ते जा रहे पता नहीं दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। उसके बाद शब्द कुछ भी पढ़ोगे, संज्ञा सर्वनाम फलाना ढिमका मुखड़ा सब इसमें आ जाएगा यार, सब पढ़ोगे उनके अलग अलग भेद पढ़ोगे, तो जटिल चीज है पूरी पूरी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा का पूरा, उस आसान बनाने के लिए मैं हूँ हाँ, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कौन सा शुद्ध, कौन सा शुद्ध, बस कहते और क्या है, छोड़ दो पढ़ाई है नहीं, खत्म होगा बस और क्या, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। तो अगर तुमसे पूछे वर्ण किसे क्या हो, वर्ण विचार क्या हो, एक तो हो वर्ण, एक हो वर्ण विचार, वर्णमाला पैर, चलो वर्णमाला पैर है पहले, तो वर्ण विचार किस चीज को कहते हैं, अब ध्यान से समझ लो। चलिए व्याकरण क्या हो, एक प्रकार का शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन करना, शुद्ध प्रयोग करना, इन सब चीजों को हम वर्ण विचार कहते हैं, समझ बात, इसे छोड़ दो कोई बात नहीं, इतनी जरूरत नहीं है, आज हम वर्ण वाले टॉपिक उठा रहे ठीक, अभी थोड़ा लंबा चलेगा, कल का परसों का दो तीन दिन लेगा, आराम से अच्छे तरीके से जितने भी सवाल इसको पूछे गए किसी भी परीक्षा पर, कोई सी भी किताब खोल कर वे सारे यहाँ आ जाएंगे, जो मैं तुम्हारे याद करवाता हूँ कोई से भी ठीक, और याद करवाऊंगा, पढ़ा तो सब दे रहे, यूट्यूब पर भरमार मात्रा में पढ़ा रहे, एप्लीकेशन पर भरमार मात्रा पढ़ा रहे, याद नहीं है बच्चों के, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, याद करवाऊंगा क्लास भी सीधा, लिखना कुछ नहीं समझो बस, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई कोई दिक्कत, एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ ठीक, वर्ण कैसे बना, ये वर्ण क्या है, वर्ण कैसे बनाए, ये वर्ण हूँ इसका निर्माण कैसे हुआ, जो वर्ण हो क ख ग ध ट प भ फ न म क म ट ट र बता बता लो कैसे बने वर्ण क्या है। जब ये लड़की पैदा हुई थी तो शुरू में क्या करना स्टार्ट करा था, तो जैसे सुनने स्टार्ट हुई ऐसे तो करे ऐसा, तो क्या निकली सबसे पहले, क्या निकली बताओ सबसे पहले, क्या निकली वर्ण की सबसे पहले निकली ध्वनि, क्या निकली ध्वनि, तो ध्वनि से निर्माण हुआ पता किसका, हेलो हेलो, ध्वनि से निर्माण हुआ किसका, किसका वर्ण का, कोई भी हो चाहे ध्वनि से निर्माण हुआ वर्ण का, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ठहके लिख दिया ऐ, तो उन्होंने ठहके लिख दिया ऐ ले, सही बात, क्या 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 ये लिख दिया, सही बात है, ऐसा करके इनकी उत्पत्ति हुई पूरी पूरी, सही खरोष्ठी लिपि तो पैदा हुई है, देवनागरी लिपि या जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड को, कौन सी लिपि, तो उसके बाद वर्ण, जब वर्ण आपस में जोड़ते चले गए, अच्छा ठीक वर्ण आपस में जोड़ते चले गए, यो 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 क्या है पैह, पैह में क्या लगा दिया रह लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया ए लगा दिया, यहाँ क्या जोड़ दिया मैं जोड़ दिया, क्या बन गया प्रेम, समझ नहीं बात, क्या क्या हुआ
वर्णों को ना हमने व्यवस्थित कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास, शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द। और भी ये सारे के सारे जो पढ़ते हो तुम, ये शब्दी तो, ये और क्या है? जानकारी, शुद्ध उच्चारण, वर्ण, शब्द, ये वाक्य, ये शब्दी तो और क्या है वो? समझ में बात, या समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक, अब जो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ ले, समझ, ये भी तो क्या है? शब्द। ये भी तो क्या है? शब्द। याद रहा ये बात है। अब मैं जो सवाल, यहां सवाल पूछे जा, याद रखना बात है। अच्छा चलो ठीक है, वर्ण हुआ, शब्द हुआ, उसके बाद जब वर्ण और शब्द बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़ते चले जाओगे, क्या बन जाएगा? वाक्य। काक्य नहीं, वाक्य। अच्छा वाक्य बन गया। और बताओ अब सवाल पूछे जाओ इस, इन तीनों से भी भर भर का सवाल है। कॉपी उठाओगे तो देखोगे जाकर इन तीनों में भर भर का सवाल, कॉपी किताब उठा कर देखोगे। अब सवाल पर पहले नंबर पूछे जाओ तुमसे, जब सबसे पहली खास बात, ध्वनि को जब लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? अगर ध्वनि को नहीं लिखोगे, मौखिक रूप से कुछ भी बोल लो या काई काई करती रहा, कोई फर्क पड़ा, लिखो ना वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी सिर्फ। जब उसका ध्वनि का लिखित रूप होगा उसे क्या कहेंगे? वर्ण। सही बात है। और वर्ण को आपस में, बहुत सारे वर्ण को आपस में जोड़ देंगे, क्या बन जाएंगे? शब्द। और बहुत सारे शब्दों को अच्छे तरीके से, सार्थक तरीके से लिखते चले जाओगे, क्रम वाइज तरीके से। सही बात है। अच्छा लिखो, एक एक लाइन लिखता हूं मैं, एक प्रकार का शब्द होगा ठीक, यहां लिखता हूं, करता हूं, करता हूं प्रेम तुमसे, मैं करता हूं प्रेम तुमसे, शब्द है, वाक्य शुद्ध नहीं है। सही बात है, वाक्य वही होगा जो सार्थक तरीके से लिखे गए हो, सुव्यवस्थित तरीके से शब्दों को सजाया गया हो। अब कैसा होना, कैसा होना चाहिए, तुम बताओ कैसा होना चाहिए? दोबारा बताओ, मैं ये पहले नंबर पर आएगा, यो दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर, हाँ ये पहले दिखाई दे रहा तुझे, उसके बाद चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का, तो तीन पांच एक साथ बोल देखो, जल्दी बोलो, देखो मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, समझ नहीं बात है, भाड़ बन जाओ तुम सब। चलो अब ये ध्वनि होगी, उसके बाद क्या होगा? वर्ण होगा, ये क्या होगा? शब्द होगा, ये क्या होगा? वाक्य होगा, ये स्वर्ण हो ठीक। सवाल क्या पूछा है तो पता, क्या सवाल पूछा है? पता सवाल क्या पूछा? जो भाषा हो, हाँ जी भाषा हो, ये तो वाक्य बन गया तो भाषा बन गई हमारे पास। अगर कोई सेंटेंस हम बनाना सीख चुके, अरे इंग्लिश सीख रही हूँ, 28-25 क्लास पढ़ी मेरी, चुपचाप जाकर देख लो इंग्लिश बनाने सीख जाओगे, क्या दिक्कत हो रही है? कैसे सीखोगे? लास्ट में जाकर मैं सेंटेंस ही बनाने सिखा रहा हूं, क्या होगा? अच्छा सेंटेंस याद आ गए, कोई बात, ध्वनि सुन लो, तो ध्वनि होगी, आपस में जुड़ जाएंगे तो वर्ण, वर्ण जन जाओ शब्द, शब्द क्या बन जाएगा? वाक्य। अब मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान तो समझो अच्छे तरीके से, सवाल क्या पूछा? जो भाषा हो इन मिला के वाक्य अगर तैयार होगा तुम्हारे पास, कोई वाक्य आ चुका ठीक, तो उसके बाद तुम बात कर सकते हो, किसी भी समुदाय से बात कर सकते हो, किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो। यही अंग्रेजी की बात है, यही फ्रेंच की बात है, दुनिया में जितनी भाषाएं चलती है सब भाषाओं की यही बात है, भारत में चलती है 121 भाषाएं, उनकी यही बात है, 10-20 हजार के आसपास बोली बोली जाती है भाषा, और मिला बोली दोनों को मिला दो 20 हजार भारत में बोली जाती है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो उनकी तुम्हें व्याकरण सीखनी होगी, और व्याकरण से पहले तुम्हें ध्वनि बतानी चाहिए, कौन सी इनकी ध्वनि होगी, उसे वर्ण होगा उसका, उसके शब्द होंगे, जोड़ दोगे वाक्य तैयार हो जाएगा, भाषा सीख जाओगे। समझ में आई बात? दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत पता कहां? दिक्कत यहां, सवाल पता क्या पूछा उसने? या तो भाषा बन गई, उन्होंने पूछा जो भाषा हो, हाँ हो, उसकी जो सबसे मौखिक इकाई हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो, भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई कौन सी हो, मौखिक जिसे हम सिर्फ मुंह से बोल सके, वह ध्वनि हो, उत्तर होगा ध्वनि, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, भाषा की, इसके नीचे लिख देता हूं, भाषा की सबसे पहले तो यही आया, तो सबसे छोटा नहीं हुआ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी? ध्वनि। अगर तुमसे पूछा जा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, लिखा नहीं उसे भी ना, अगर लिखित इकाई पूछो तो वर्ण, समझ की बात है, टाइ टाइ करना तो कोई भी सीख जाएगा। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई सवाल पूछ रखे हैं यहां से, ध्यान से समझो अच्छे तरीके से, भाषा की सबसे छोटी कौन सी? लिखित इकाई, क्या कहलाती है? वर्ण। लिख दोगे भाइयों, काय काय कर रहे थे तुम, समझ बात है, आ आ कर रहे थे तुम, आ आ कर रहे थे, ये क्या है? आ, ये क्या है? ई, उई, क्या है? क्या है ये? वर्णी तो लिख दिया ना सर, क्या कहलाएगा वो? वर्ण। यस और नो? अच्छा उसके बाद चलते हैं, अगर बहुत सारे वर्णों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द। अब मैं एक सवाल और पूछने जा रहा हूं तुमसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ लिखने के आधार पर तो वर्ण होगा,
सही बात, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी? वर्ण। लिखित इकाई पूछ तो वर्ण, मुखी की ऊंचाई पूछ तो ध्वनि, अगर नु पूछ अर्थ के आधार पर, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ नहीं है, काई काई तो करना, काई काई का मतलब क्या हो? अरे गांव में जब भैंस को यू कर हड़ो, क्या हो उसका मतलब? हड़ो क्या? ढब क्या हो? प्लीज ढब, ये क्या हो? कोई शब्द हो? अरे जब गांव गांव में झोटा नहीं होता क्या, तो क्या करो? झोटे क्या उसका मतलब? क्या है वो? कौन सा शब्द है? इस ध्वनि का कोई अर्थ लिख के दिखाओ सर, कितना ही बड़ा हिंदी का विद्वान है, लिख के दिखा, चल लिख के दिखाओ सर, आज हिम्मत है तो लिख के दिखा दो कोई। ये ध्वनि सिर्फ, इसका कोई लिखित रूप नहीं है, करके लिख के दिखा दो, तुम लिख के दिखा दो, कॉपी पे जाओ, चल हेलो तो लिख दोगे, उसके बाद नहीं लिख सकते, दिखे इसे दिखे लिख दोगे, उसके बाद नहीं लिख सकते, कुछ ध्वनि ऐसी हो तो जिस ध्वनि का लिखित रूप नहीं होगा ना, वो भाषा की केवल मुखी की इकाई कहलाएगी, जिसे लिख दोगे भैया वो भाषा की बता कौन सी? लिखित इकाई कहलाएगी। और जिसका भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी और जिसका अर्थ भी होगा उसका नाम शब्द होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक, अर्थ इकाई, भाषा की सबसे छोटी अर्थ इकाई, भाषा की सबसे छोटी अर्थ इकाई, अर्थ इकाई। अब मैं तो एक सवाल और पूछूंगा तुमसे, अर्थ के आधार पर इकाई यही होगी, इसका अर्थ होना यार, कोई शब्द लिख दिया तुमने, सही बात क्या? इसका नाम बताओ क्या, इसका कोई अर्थ हो? ये तो वर्ण अर्थ नहीं है ना, बताओ क्या 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 क्या? मैंने लिख दिया, मैं लगा दिया यहाँ से, लो वर्ण का शब्द कम, इसका मतलब क्या हो? ठीक, थोड़ा कम लिमिट में, कम बात करो फोन पर, समझ बात, कम यूज करो, कम चैट करो, समझ बात है, कम। अब आया समझ में, यो क्या है, यो क्या लिखा हुआ? द, यो क्या लिखा हुआ? यो क्या लिखा हुआ? दुख। अब समझ में आ गया, फीलिंग आई नहीं है, सही, इसका अर्थ आया नहीं निकल गया, सही, इसका अर्थ हो। अच्छा, तो जो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी गाय पूछे शब्द, पूछा हुआ पेपर सवाल है, अच्छा और बताओ। अब भाव अर्थ के आधार पूछा, एक हो अर्थ, एक हो भाव अर्थ, दुख तो क्या पता लग रहा है? मैं तो सक, मैं मान यह लड़की बैठी है, क्या नाम है? सिमरन। सिमरन को कोई दुख नहीं है, हो सक, ठीक, लेकिन ये वाक्य बोल रहा है ना, मैंने कहा दुख, अब बता क्या घंटा समझ में आया सर? ठीक, मैंने कहा मामा जी को सुख, इसे क्या समझ में आया? नुगारी कौन सा सुख, कहाँ का सुख? सुबह तक लेकर शाम तक दुखी रहना, उसको समझ में आया नहीं? आया ना समझ में यार, बात बात करो, डोंट बकवास, वाक्य हो गया तो वाक्य पता क्या है? वाक्य भाव अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर या भाव अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई हो गया, क्या हो भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसे इसके बाद भी हो कुछ, ठीक, भाव अर्थ के आधार पर, भाव या भाव अर्थ, भावना नहीं, भाव अर्थ, भावना की याद आ जाएगी फिर मुझे, भाव अर्थ के आधार पर, ये सुन लो, ठीक, तो भाव अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या बताओगे? वाक्य। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पता लग चुका है, सवाल पूछो तो बता दोगे, ध्यान से सुना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक, मैं भी पूछ रहा हूँ तुम, भाषा के आधार, उस भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो भाव अर्थ के आधार पर? वाक्य हो, बड़ी भी आई छोटी भी आई है भाव अर्थ के आधार पर। इससे पहले जितनी भी मैंने इस बोर्ड पर शब्द लिख रखे हैं पूरे के पूरे, इनका कोई अर्थ, इनका कोई फीलिंग आ रही ध्वनि से, क्या फीलिंग आ रही? घंटा फीलिंग आ रही ध्वनि से, सही बात है, इससे क्या फीलिंग आ रही वर्ण से? कोई एक वर्ण लिख कर देखो, कोई से भी क ख ग, इससे क्या फीलिंग आ गई? इससे फीलिंग नहीं, फीलिंग इससे आ रही वाक्य से, सही बात है। अभी थोड़ा ही कह दे लू किसी को प्रपोज करना हो तुम थोड़ा ही बोल लगी प्रेम, अनु खड़ी रही प्रेम, ऐसे थोड़ा ही बताएगा, फिर पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा नहीं, जो भी तो भाव पैदा होगा। किस इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? यस और नो? अगर चलो कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछो तो बता दोगे? चलो अब हमारे पास वर्ण के कितने भेद होते हैं, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वर्ण कितने होते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? अब वर्ण और वर्ण के भेद कितने होते हैं, सही बात क्या? यहां तो सुना चाहे, पहली बात तो वर्ण जानो कितने होते हैं वर्ण, ठीक, हटाओ इसे यार, बताओ वर्ण कितने हो? वर्ण तो वर्ण की संख्या टोटल हो 52, तुम लेकर आ वर्ण, सही बात है। मेरी बड़ाई लोग याद हो जो स्कूल में मारते थे तुम, ये क्या है वर्ण? वर्ण कितने प्रकार के हों?
दो प्रकार वर्ण को हम तीन भागों में बांट सके, वैसे तीन भागों में ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अगर वर्ण के भेद पूछा जा तो वर्ण को हम तीन भागों में बांट सके पहले नंबर पर, क्योंकि अभी सवाल पूछा वर्ण के कितने भेद, ओए होए होए वर्ण के कितने भेद हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, वर्ण के कितने भेद हो। पहले नंबर पर हमारे पास हो स्वर वर्ण, स्वर सुवर्णीय सवर हो सवर वर्ण। दूसरे नंबर पर चले जाओ व्यंजन वर्ण, मंजन व्यंजन व्यंजन वर्ण, ठीक। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर चले जाओ, उसे कहते हैं अयोगवाह्य वर्ण, अयोगवाह्य वर्ण, यस अयोगवाह्य वर्ण। तो बताओ वर्ण कितने प्रकार के होंगे हमारे पास, तीन प्रकार के होंगे, एक तो स्वर होंगे, एक व्यंजन होंगे, एक अयोगवाह्य वर्ण होंगे। यस और नो, ऐसे बांट कर पढ़ना हमें जब जाएगा हमारा वर्णमाला वाला चैप्टर खत्म होगा। अब ये बताओ मुझे कि अच्छे तरीके से ये बताओ कि वर्णमाला, तो वर्ण के अगर भेद पूछा तो कितना, वर्ण के अगर भेद पूछा कितना बताना, वर्ण के भेद पूछे, वर्ण के भेद यहाँ लिख दे, वर्ण के, अच्छा भेद का मतलब क्या हो, प्रकार। वर्ण के भेद कितने, वर्ण के भेद कितने हो, तीन। इस पर टिक मारना अगर पेपर में उत्तर देकर रखा तो, सही बात है। कभी कभी पेपर में दो ही देकर रखो, लोग ही नहीं मानकर चलो सुवर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, अगर आंसर होगा तीन तो तीन पर टिक मारना, याद रखना बात है, ठीक। तो सुवर वर्ण व्यंजन व्यंजन वर्ण, मंजनीय व्यंजन वर्ण, अयोगवाह्य वर्ण, यस और नो। अब जो स्वर हो इनकी संख्या कितनी हो, टोटल 11, ठीक। और जो व्यंजन हो इनकी संख्या कितनी हो, टोटल कितनी, 44, 44 चार, अरे कितना बैठा गया, 5, 55 बैठा गया, जोड़े से कितना बैठा गया, 33 हो ना, बाद में बताऊंगा, चलो इनके छोड़ दो सभी, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, इस वाले बिंदु के बारे में, स्वर के बारे में। ये अयोगवाह्य वर्ण कौन कौन से हो ये समझ लो, एक तो हमारे पास हो अनुस्वार, ठीक, और एक हमारे पास विसर्ग हो अंग है, ठीक, इन्हें बोलो अयोगवाह्य वर्ण, ठीक। 11 स्वर होंगे हमारे पास, व्यंजन होंगे हमारे पास, सभी बात है, व्यंजन को भी पढ़ेंगे हम डिटेल से, अभी नहीं पढ़ने के, लेकिन ये पढ़ेंगे आज हम स्वर के बारे में, स्वर वर्ण कौन से हो, है वर्ण ही है, अब उन्हें बांट लेते हैं, स्वर हो उसमें तो कुछ व्यंजन हो कुछ अयोगवाह्य वर्ण हो, याद रहेगी बात है, पता लग गया हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम लाई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। अब हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, पहले तो हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, फिर हम जानते हैं व्यंजन, अभी स्वर किसे कहते हैं, कौन सी चीज़ को हम स्वर कहते हैं, फिर स्वर का पूरा चैप्टर में खोलने वाला हूँ, वहाँ से क्या सवाल बनते हैं, नींद आ रही क्या, ना गया अगर सुबह को यहाँ से, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, अरे तुम मुझे तो देख लो, मेरी तो इतनी ज़्यादा उम्र बीत गई कि तुम तो यंगेस्ट होम हो। सुन लो, स्वर वर्ण होगा नहीं होगा, योरा स्वर वर्ण, और जो स्वर वर्ण होगा ना, स्वर किस चीज को हम स्वर कहते हैं पहले समझ लो, फिर व्यंजन देखो किसे कहते हैं, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, किस चीज को हम स्वर कहते हैं, चले। कौन सी चीज को हम स्वर कहते हैं, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ध्यान से सुनना, वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ध्यान से, वे वर्ण, ध्यान से, वे वर्ण जिसे जिसे बोलते समय हेलो, जिसे बोलते समय हेलो, वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी हेलो किसी अन्य अन्य वर्ण की सहायता सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अच्छा ये भी सही है, नहीं लेनी पड़ती है, बता दो जरा, करे ऐसा कोई वर्ण है क्या, हाँ है, देखो इसका नाम है हमारे पास ऐ, आपको कैसे पता, ये अपने आप में स्वतंत्र हो, यही दूसरे दूसरे वर्ण को दूसरे वर्ण इससे मिलकर बनेंगे, अरे भाई ये क्या लिखोगे ना तुम, क्या तो जब क्या लिखोगे तो क्या लिखोगे, और इसके नीचे हलंत लगाओगे इसमें से निकल के आ जाएगा ऐ, तो जो क्या है ना ये दो चीजें तो मिलकर बना हुआ, और ऐ किसी चीज तो मिलकर नहीं बना हुआ, स्वतंत्र अपने आप में, कुछ आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, स्व जितने भी स्वर होते हैं ना, जब उनका उच्चारण करते हैं, जब उन्हें बोलते हैं, तो बोलते वक्त अंदर तो जो ध्वनि अंदर से जो आवाज निकलती है वह बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, रास्ते में कोई अड़चन नहीं पैदा होती, बोल के देखो ऐ, अब बोल के देखो खै, जब खै बोल लेते ना तो रास्ते में अवरोध पैदा हो रहा था, समझ बात या, जो व्यंजन हो ना हेलो हेलो, जब व्यंजन पैदा हो ना, व्यंजन खुद व्यंजन पैदा नहीं होता, जब व्यंजन को बोलते हैं तो बोलते वक्त पता क्या हो, अंदर तक गले तो जो आवाज और निकल कर वह घरड़ घरड़ कर आगी, सही बात है, इसका मतलब उसके रास्ते में रुकावट पैदा हो जाएगी, अगर बोलते वक्त किसी को रास्ते में रुकावट पैदा होगी तो व्यंजन होगा, मंजन नहीं आए हो, डबल रेड टू पेस्ट जड़ से मजबूत व्यंजन है,
बात ना करो, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। कोनो प्रॉब्लम छो ना छो, ठीक पता लग चुका। सबर किसे कहते हैं? वे सभी वर्ण, हेलो, वे सभी वर्ण जिसे बोलते सभी प्राण वायु बाहर नहीं, प्राण वायु अवरोध पैदा नहीं करती है, वह ध्वनि डायरेक्ट बाहर आती है। बिना किसी अवरोध के अगर ध्वनि बाहर आती है तो भैया उसको बोलते हैं स्वर। अगर किसी वर्ण का उच्चारण करते वक्त रास्ते में प्राण वायु अवरोध पैदा कर देती है तो उसको हम व्यंजक, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यस और नो? जैसे क, अब देखो ख, ग, ख, जबरदस्ती क्या है, जबरदस्ती हो रहा है बताया, बोल कर देख ले, बोलो आ, आ रास्ते में कोई ई ऊ कु, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। तो स्वर में समझ में पहचान लोगे, व्यंजन में पहचान लोगे, आ जाओ उसकी बात करते हैं। हाय ठीक, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, सहायता नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र। अच्छा, और बताओ उनके बारे में, संख्या कितनी है उनकी? 11। आज एक काम करो, जो 11 की 11 है स्वर हो ना, ये प्लीज आप हमारे याद करवा दो, क्योंकि हमारे याद नहीं है, प्लीज याद करवाओ आप हमारे। क्या इसके बारे में बताओ, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या हो? हेलो हेलो, व्यंजन वर्ण कैसे क्या हो? वे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अन्य वर्ण की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अच्छा चलो, उदाहरण एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल इसका, बाकी इसमें बाद में बात करेंगे। हमारे पास जैसे क्या लिखा हुआ, तो भाई क्या पता कैसे बना है, क्या इसके नीचे हलंत लगा देना है, उसके बाद इसमें ए जोड़ देना, ए की आवाज आएगा, क्या, क्या का लंबे समय तक उच्चारण करो तो ए निकल का आगा, क्या, ख, ऐसे लगा ए बोल लेते, खै नहीं बोल लेते, गै बोल लो गै, ग, तो ए बोल लेते, गै नहीं बोल लेते, जय बोलो जय, देख लास्ट में आ रहा है, नहीं खुद ही निकल, लंबे समय तक उच्चारण करो खुद ही निकल का जाओ, तू क्यों रो रही? हाँ चलो, क्या का उच्चारण करो, ख प्लस अ, क्या निकल के आ रहा, पै बोल के देखो, पै बोलो, देखो बोल लोगे तो जब भी उत्तर सही होगा, लंबे समय तक उच्चारण करो, देखता पीछे छूट चुका, सही बात है। तो ये दूसरे वर्ण की सहायता तो बोले जा रहे हैं, जो दूसरे वर्ण की सहायता तो बोले जाना, हेलो, अरे यूं नहीं बोलना, बेवकूफ हो गया, जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे ना उसे बोलते हैं व्यंजन, समझ नहीं बात है, इतनी बात बताओ समझ में नहीं, ठीक। ये जो स्वर हो ना, हेलो, जो स्वर की संख्या हो ना, स्वर की संख्या हो 11, अरे 11 हमें याद नहीं है, क्या आप हमें याद करवा सकते हो? हाँ क्यों नहीं याद करवा देंगे, अच्छा ये आगे पेपर में, हाँ ये याद हो गया यहाँ तक, हाँ जी याद तो हो गए, अच्छा नोट्स दे हो गया आप इनका, हाँ नंबर कौन सा नंबर हमारा बताओ, नंबर नंबर बता दो, अच्छा एक और भी तो नंबर सीखो, मैं रहने दो और क्या आते, इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कोई प्रॉब्लम? अच्छा और बताओ, कुछ कुछ नया बताओ, ये तो मैं पहले थे बता, क्या बकवास है तेरे आप, कुछ नया बताओ, नया, अच्छा चलो नया बताते हैं, क्या दिक्कत है, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, स्वर की संख्या कितनी हो? 11। अगर संस्कृत के चलो पहले हंस लो, हंस लो, हंसलो, जब फुर्सत मिल जाए तो बता दे, स्वर की संख्या कितनी हो? 11। मूल भाषा के अंदर पूछे संस्कृत की संख्या तो 13, मूल भाषा कौन सी? संस्कृत। संस्कृत के अंदर जो हमारे संस्कृत के अंदर जो हमारे पास टोटल स्वर होंगे उनकी संख्या होगी 13। कितनी? 13। वो भी हम बात करेंगे, पहले मैं 11 को तो बता दूं तो मैं यहां से सारा रायता मिटा दूं, मिटा, नोट्स में सब लिखा हुआ, पहले ही समझा रखा मैंने, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही, वीडियो नहीं जाएगी क्या, वीडियो देख कर लिख लिया, जैसे मैं लिख दिया ना इसे अच्छा समझ में आया, तो इसका दर्द हो रहा है, क्यों मिटा रहे आप, क्यों मिटा रहे आप, चलो फिर भी मिटा देते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो मिटा देनी चाहिए, नहीं तो भी दुख देगा, समझ रहे हो, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से लेकर क्या कहना चाहते हैं,
चुप जाओ, बात ना करो, मैं सुनने जा रहा हूँ तुमसे। बताओ व्यंजन क्या हो, अभी बताया तो व्यंजन क्या हो, और बता व्यंजन क्या हो। स्वर की संख्या कितनी हो, बताते शर्म नहीं आ रही। अच्छा अच्छा पता दे नहीं पहले, बता व्यंजन क्या हो, व्याकरण का क्या अर्थ हो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो, वर्ण, वर्ण खाली दानो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई नहीं बता दू भाषा, याद अगर बीच बीच में सुनता रहूंगा मैं। चलो इसमें दिक्कत नहीं है, एक काम करो आप ना बहुत 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 ड्रामा कर रहे हो, आप एक काम करो, स्वर याद करो पहले हमारे, तो हम स्वर के बारे में चलते हैं, स्वर वर्ण, इन स्वर वर्ग के बारे में, इनकी संख्या टोटल कितनी हो, 11, ठीक। अगर मूल भाषा में पूछ, मूल भाषा अगर भाई मूल भाषा में पूछ भैया इनकी टोटल संख्या कितनी, मूल भाषा का मतलब क्या हो भैया, संस्कृत हो, अच्छा तो इनकी संख्या बता दो भाई जी कितनी हो, भाई जी इनकी संख्या हो 13, अच्छा गुरु जी ये बता दो हमें जो 11 सवर्ण हो ना हमने तो इनके भी दर्शन नहीं कर रखे, और जो 13 हो ना 13 इनके भी दर्शन करवा दो, आप हमें 11 बता दो, हम कुछ जोड़ लेंगे। हेलो हेलो, जो सवर्ण सवर्ण इनकी इन्हें बता रहा हूँ मैं कैसे याद करने, अभी याद करने, इनके बिना काम नहीं चलने का। अच्छा बता दो जरा, एक तो हो ए, एक हो ई, आ लिख दो पहला आ, एक हो छोटे वाली ई, एक हो बड़े वाली ई, एक हो छोटा ऊ, एक हो बड़ा ऊ, बड़ा ऊंटनी बड़ा ऊ, कौन रीदी, एक और हो, एक हो ए, एक आई, एक ओ, एक आउ, आउचनी आउ, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां बताओ टोटल इनकी संख्या कितनी होगी, थोड़ा काउंट करिए जरा, करेगी ना 11 होगी, बोलो ए, आ, छोटी, बड़ी, उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, आउ, याद हो गए, एक बार देखो तो आंख बंद करके खाल तार दूंगा, नहीं तो फटाफट देते स्पीड पे, अभी सुनने आ लियो, सुनने आ लियो, इनके बिना काम नहीं चलने का, अगर याद नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे, इनके बिना पूरा चैप्टर खराब खत्म हो जाएगा, अगर क्या याद नहीं होंगे, ए, फिर आ, फिर छोटी, फिर बड़ी ई, फिर छोटा उ, फिर बड़ा उ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, ये सर नो कोनो प्रॉब्लम छो, कोनो प्रॉब्लम छा, ठीक। एक बात तो फिर संस्कृत में 13 कैसे हो गए, जब हिंदी में 11, अगर हिंदी वर्णमाला पढ़ोगे तो 11, तो संस्कृत में 13 कैसे, आप भी दो क्यों नहीं बता रहे, अच्छा भी बताओ, बताओ कौन कौन सा हो, एक और री, ये बड़े वाला री हो, कौन सा री हो, ये संस्कृत में यूज कर हम, सही बात क्या, उसके बाद हो एक ये वाला लमर लगा दे, ये क्यों, ये भी संस्कृत में यूज करो, इन दोनों को जब कभी संस्कृत पढ़ने का मौका मिलेगा ना वो भी पढ़ाऊंगा एक बार तुम जिंदगी को, सही बात है, ठीक। वैसे तुम पढ़ने के नहीं, जब क्या जरूरत पड़ रही संस्कृत की, कहाँ यार कौन सी दुनिया में जा रहे, रहने दो, सबसे आसान ऑप्शनल संस्कृत, कभी भी हाँ याद रखना बात है, सबसे कम स्कोर तो उसका ही है, री होगी लैमर है, मुझे दिया संस्कृत, संस्कृत हिंदी तो बच्ची तारे लिखे नहीं आती, संस्कृत लेगी, सुन लो बड़े वाली री होगी, ये लैमर आया होगा, समझ बात है, ये दोनों दोनों संस्कृत में यूज होंगे, अगर पूछा जाए तो दो ये ऐसे जो संस्कृत के, अगर संस्कृत में पूछा स्वर की संख्या 13, अगर हिंदी में पूछा तो कितनी होगी, 11, ये सर नो, और 11 के 11 याद हो गए होंगे, बिना देखे बता दोगे इनका नाम, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत कहीं और, अब देखो दिक्कत कहाँ, पहले दिक्कत ही बताओ पहले कहाँ से है, चुप जाओ बात ना करो, ठीक। अब देखो 11 हो गए, ठीक, स्वर की संख्या कितनी होगी, 11, कोई दिक्कत नहीं आने तक, दिक्कत जब किसी चीज की संख्या ज्यादा हो जाना, देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब किसी चीज की संख्या ज्यादा हो जाना तो फिर उनका वर्गीकरण करना पड़ा, उन्हें बांटना पड़ा,
क्या करना पड़ा? अब बांटने का भी आधार हो, देखो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना, बांटने का भी आधार हो। मैं कहना इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को ना बांटना, पता किसके आधार पर? संस्कृति के आधार पर। इसमें किसकी संस्कृति बढ़िया, किसका कल्चर बढ़िया, चलो बांट लेते हैं ठीक। या भारतीय महिला बैठी हुई, या थोड़ी फैंसी टाइप की बैठी हुई, वो भी फैंसी टाइप की बैठी हुई, या भी भारतीय महिला बैठी हुई, इसका यूनियन पता कौन से देश था ही? सही बात है, इसका कौन समझ बांट दिया हमने कुछ बच्चों को एक तरफ कर लिया संस्कृति के आधार पर। दो बच्चे, एक तो भारतीय संस्कृति, हेलो मैंने ना यहाँ बैठे हुए बच्चों को ना उनका मैंने आधार पाता क्या था, आधार था संस्कृति। मैंने बच्चों को डिवाइड कर दिया, एक तरफ दो तरीके बच्चे हो गए, एक तरफ जो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे, एक जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे। सही बात है, ये बैठी वेस्टर्न कल्चर वाली, बैठी वेस्टर्न कल्चर वाली, ये बैठी दो वेस्टर्न कल्चर वाली, ये दोनों बैठी भारतीय महिला। सही बात, एक बैठी भारतीय महिला, बात मत करो। अब मैं देखो तुरंत मैं आधार बदलूंगा, अब मैं तुरंत आधार बदलूंगा, जैसे मैं आधार बदलूंगा तुरंत रिजल्ट चेंज हो जाएगा, समझ लो सर। अब मैं कह रहा हूं यहां बैठी हुई क्लास में बच्चों को बांटना, अब बांटना ना उसका आधार इस बार पता क्या होगा? उसका आधार होगा उम्र, उम्र के आधार पर बच्चों का निर्धारण करना। जिसकी उम्र 20 साल तो ऊपर है, जिसकी 20 साल तो नीचे, सभी बात, जिसकी उम्र 25 साल तो ऊपर है, जिसकी 22 साल तो ऊपर, जिसकी 22 साल तो नीचे, उम्र होगा इतनी मैं बताओ समझ में, जिसकी 22 साल तो ऊपर, जिसकी 22 साल तो नीचे, तो दो प्रकार उम्र के आधार पर बैठते। जैसे ही मैं आधार चेंज करूंगा ना तो रिजल्ट तुरंत चेंज हो जाएगा। मैं इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को ना इसका आधार कुछ और बनाऊंगा। देखो मैं इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को सुंदरता के आधार पर बांटते, चलो भेदभाव हो जाएगा ऐसा करके, क्योंकि मैं खुद सुंदर नहीं हूं ना। सही बात है, चलो एक काम करते, दूसरा बुद्धिमत्ता के आधार पर बांट लेते हैं। बुद्धिमत्ता के आधार पर किसमें बुद्धि ज्यादा किसमें कम, सही बात है, तो देखते हैं ये लड़की होगी। सही बात है, इसमें बताइए कितनी बुद्धि सबको पता, सही बात है, अरे ये बैठी सामने इसमें सबको पता कितनी बुद्धि, सही बात है, बहुत बुद्धि होगी ठीक, सबको दिख रहा है ना इस क्लास में कौन कौन सा ठीक। ऐसे जो ज्यादा सुंदर हो उसमें बुद्धिमत्ता थोड़ी कम हो, मैं नहीं कह रहा अरस्तु ने कहा था, महिलाओं के बारे में कही थी बात यार, अरस्तु ने अरस्तु का बेटा क्या कहना था, बात समझ नहीं, तो ये बताओ जैसे ही मैं आधार चेंज करूंगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ बात क्या। अब देखो ये 11 के 11 सवर है ना, इन 11 के 11 सवर को मैं बांटना चाहता हूं, लेकिन उनका सबका आधार अलग अलग होगा, इसलिए चार आधार पर बांटूंगा। कितने आधार पर? ये भी पेपर में सवाल पूछा हुआ, जो सवर्ण हो, सवर वर्ण हो, उसके भेद कितने हो? चार हो। कितने हो? आओ समझते हैं सवर वर्ण के भेद कितने हो। ठीक, अगर पूछा जाए तुमसे जो सवर्ण हो, हेलो सवर्ण हो जो के भेद, आजकल ऐसे ऐसे बदतमीजी वाले सवाल आने लगे ठीक, लेकिन मैं इससे भी आगे पढ़ाऊंगा, पांच छह पढ़ाऊंगा, याद रखना बात। अगर पेपर में आया सवर्ण के भेद कितने हो तो आंसर होगा चार। कितने हो? चारों के चारों में तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, किताब में चार ही लिख रखे। इतनी बात बताओ कोनो प्रॉब्लम छो भैया, हे भैया चलो पढ़ाऊं भैया। पहले नंबर का सवर्ण के भेद चार, पूरे डायग्राम एक साथ समझा के चलूंगा मैं सब। दूसरा, तीसरा, सब एक डायग्राम आ जाएगा सब, ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझना, बड़े प्यार के साथ क्या समझाने जा रहे हैं। पहले नंबर पर थोड़ा पास कर लो उसको, अगर जरूरत पड़ेगी और बढ़ा लूंगा, लेकिन पेपर में टिक मारना चार पर। एक बार सवाल आया था पेपर में ऐसे भी आ जा कि सवर्ण मन के भेद कितने हो, प्रकार कितने हो उसके, चार प्रकार हो, पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले नंबर पर ऊपर जो सवर लिखे हुए कितने सवर हैं? 11। और जो 11 सवर पहले नंबर पर बांटूंगा मैं इनमें, जब मैं बोलूंगा तो इनमें समय कितना लगेगा, जब मैं इनका उच्चारण करूंगा, उच्चारण जब यह मात्रा कह दो, देखो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ,
बहुत गौर से समझना है जो हेडिंग बनाने जा रहा हूं, मेरा आधार क्या होगा, मैं इन 11 सवर को बांट रहा हूं, मैं इस क्लास में रहने वाले बच्चों को बांट रहा हूं, मैं बांट रहा हूं उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर, मैं इस क्लास के अंदर 11 बच्चे बैठे हुए और 11 बच्चों को बांट रहा हूं उन पर उनके उच्चारण, जब मैं उनका नाम बोल लूंगा, नाम बोलने के उनको कितना समय लगेगा, समय के आधार पर या उच्चारण करने के आधार पर, यहां हेडिंग बना रहा हूं कितना समय लगेगा, समय के आधार, मैं जैसे मैं आधार चेंज करूंगा यहां अगली लाइन में आधार चेंज करूंगा, फिर यहां आधार चेंज करूंगा यहां आधार, तो तुरंत रिजल्ट बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, अब यही समझ नाम उच्चारण, उच्चारण या समय या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, सवर का, सवर के भेद, बात बताओ समझ में आई, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान तो समझना, मैं जैसे रिजल्ट चेंज करूंगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, समझ में बात, यहां तो पक्का भर भर का सवाल है पेपर को, बात समझ में आई है, क्या तो मुझे उच्चारण या मात्रा में, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक, उच्चारण कह दो, समय कह दो या मात्रा कह दो, के आधार पर किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, किसका वर्गीकरण, सवर का, और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ना, जैसे दूसरे नंबर पर जो हम आज अभी पढ़ने वाले, उसका नाम भी देख लो, दूसरे नंबर में जो पढ़ने वाले उसे कहते हैं ओष्ठ, क्या कहते हैं, हाँ ओष्ठ क्या करती है आधार पर, ये भी समझ लेते, चलो ओष्ठ की आकृति पता क्या होगा, जैसे तुम इन्हें बोल लोगे ना कुछ वर्ण को, जैसे ए को बोल को देखो, ए को बोल को देखोगे तो तुम्हारा मुंह वो पूरी तरह गोल नहीं होने का, लेकिन ऊ को बोल को देखोगे तुम्हारे होठ पूरी तरह गोल गोल हो जाएंगे, ओस्ट का मतलब ही होठ हो, सही बात है, तुम्हारे जैसा ओ को बोल को देखो ओ, तुम्हारे होठ पूरी तरह गोल गोल हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे वर्ण होंगे जिसे बोलते वक्त तुम्हारे जो होठ अलग प्रकार का आकार ले रहे होंगे, सही बात है, ये भी देखेंगे ओस्ट की आकृति के आधार पर, अच्छा ये भी सीखे भाई जी, और बताओ तीसरे नंबर का चले जाओ, और तीसरे नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझो, तीसरे नंबर का जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ये भी समझ लो, हाँ जीवा या जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीवा कह दो, जीव कह दो या जीवा कह दो, जीव कह देता हूं, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जिस तरह तुम्हारी जीभ काम करती है, कुछ कुछ वर्ण इस मतलब ना, हेलो कुछ 11 वर्ण है हमारे पास, ये 11 वर्ण नहीं है हमारे, 11 सवर हमारे पास, इसमें से जब तुम बोल लोगे ना सर, जैसे तुम बोलोगे ए तो हो सकता है तुम्हारा जीभ का अगले वाला हिस्सा काम कर रहा हो, जब इसमें तो तुम बोल लोगे ऊ तो हो सकता है जीभ का पिछले वाला हिस्सा काम कर रहा हो सकता है जीभ का मध्य वाला भाग भी काम कर रहा हो, तो ये भी हमें समझना अच्छे तरीके था, और ये कई बार पेपर में आ चुके, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पाओ, अब चौथे नंबर वाला भी देख लेते हैं, चौथे नंबर वाला बताओ क्या होगा, तालु के आधार पर, तालु, तालु कहते हैं जो ऊपर का हो ना, ऊपर का हिस्सा हो, जीभ से ऊपर का जो हिस्सा हो, तलवा जी से बोल लो तलवा, सही बात, जो मसूड़े हो ना उसके पीछे का जो भाग हो, सही उसे बोल लो तालु, क्या बोल लो, तालु, तालु की स्थिति के आधार पर, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, पढ़ना है वही, एक तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, और तीसरा कौन था, जीवी क्रियाशीलता के आधार पर, और तीसरा कौन, चौथा कौन सा, तालु की स्थिति के आधार पर, ठीक, और भी पढ़ेंगे हम, यस और भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे उस बाद में पढ़ेंगे, पेपर में पूछा जा तो यही बताना, चार चार प्रकार बताने पूरे के पूरे, और भी पढ़ेंगे हम, जाति जाति के आधार पर पढ़ेंगे हम, ठीक, उसमें भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा, अभी इसमें आ जाओ समझते हैं, चलो पहले नंबर पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो हमारे स्वर हो कितने प्रकार के, पहले बताओ स्वर कितने हो टोटल, कितने हो, ठीक है, अब जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर हो ना वे कितने प्रकार के हो, ये बहुत जरूरी है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर हो वे कितने प्रकार के, बहुत गौर से समझना, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, पहले नंबर का नाम क्या होगा, दूसरे वाले के नंबर का नाम क्या होगा, तीसरे वाले का नाम क्या होगा, पहले नंबर का जो स्वर होगा हमारा उच्चारण कहो, समय क्या हो, मात्रा क्या हो, बहुत आसान हो, ध्यान से समझना, उसको कहते हैं हर्ष स्वर, हर्ष हर्ष स्वर, ये है ना हर्ष स्वर, इसे भी कहते हैं लघु स्वर, लघु स्वर, बहुत सारे नाम इसके, लघु स्वर, एक और नाम इसका, इसे एक मात्रक भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, ये सारे नाम याद रखने, एक मात्रिक स्वर, दूसरा नाम बताओ, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर, और बताओ इसका नाम, ये नाम है इसके, एक मात्रिक, मूल स्वर, लघु स्वर, ये नाम है इसके,
अब सवाल है कहते किस हैं, ठीक, और उनकी संख्या कितनी हो, सवाल पूछ रहे ध्यान से अच्छे तरीके से, भर भर का सवाल है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो हमारे जो स्वर हो वे तीन प्रकार के, एक तो हमारा हट स्वर क्या हो, हर स्वर क्या हो, या मैं उपिकासक को लघु स्वर, या उपिकासक को एकमात्रिक स्वर, या उपिकासक को मूल स्वर। अभी पहले इनके हेडिंग बताई बताऊंगा वो क्या हो, दूसरे दूसरे वाले का नाम बताने जा रहा हूं। इसे मैंने ए कह दिया, ए, इसे मैंने बी कह दिया, इसे मैंने सी कह दिया, या एक कर तीन तीन करके लिख दूं, एक हमारे पास यहाँ हमारे पास बैठा का दो, या हमारे पास बैठा का तीन, ठीक। इसका नाम हमारे पास दीर्घ स्वर, क्या नाम है इसका, दीर्घ स्वर, ये भी समझेंगे दीर्घ स्वर क्या हो, ये जानेंगे अभी। उसके बाद हम दीर्घ स्वर की जगह में हर स्वर की जगह, बाद में कुछ बताया था हर स्वर की जगह, हर्ष के लिए दीर्घ बताया था, उसके बाद लघु के लिए गुरु, अच्छा हर्ष के लिए क्या बताया था, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद इसके लिए गुरु, अच्छा गुरु स्वर, और एक मात्रिक की जगह बताया था मैंने द्विमात्रिक। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अरे भाई उसका व्युत्क्रम हो, उसका व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब विलोम शब्द, इसका उसका विलोम शब्द, इसके इसका विलोम शब्द, विलोम शब्द भी आ जाना पेपर में, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर आ लिया तुम्हारा नंबर याद है ना, ठीक, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को या मूल स्वर को, ठीक, ये भी समझ लो। संधि स्वर भी क्या बना, संधि स्वर ये नाम इसके, अभी जानना कौन कौन से। एक पलूत स्वर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पलूत स्वर, हुलटनी पलूत स्वर, ये समझो क्या हो यार, ये किस चीज को मैं एकमात्रिक स्वर, कौन सा हमारा एकमात्रिक स्वर, कौन सा है वो लघु स्वर क्या है, 11 ही तो, इनमें तो कोई होगा, बताना कितने हो उनकी संख्या, कौन कौन सा, और क्यों कह रहे हो एकमात्रिक, इसे लघु क्यों कह रहे, उसे हर स्वर क्यों कह रहे, ये हमारे पास बताना। इसमें तो कोई 11 में तो होगा कोई सा दीर्घ स्वर, इसमें तो पुलुत स्वर, किस चीज को पुलुत स्वर का यार क्या हो, सवाल कैसा बनेगा पेपर में, और समझते हैं इसके बारे में, यही समझना हम और क्या समझना हम, ये सुनो बात बताओ समझ में ही नहीं आई, चले अब देखो, जो हमारे पास हर स्वर हो ना, ऐसे स्वर जिनकी केवल एक ही मात्रा हो, ऐसे स्वर जिनकी केवल एक ही मात्रा हो उसे एकमात्रिक स्वर कहते हैं, ऐसे स्वर, ठीक, जो अपने आप में मूल हो, वो जो किसी से ना मिलकर बनते हो बिल्कुल, जैसे अब इनकी संख्या हमारे पास चार हो, ये संख्या पूछी जा बार बार, लघु स्वर हर स्वर एकमात्रिक स्वर की संख्या कितनी हो, अभी सुनूंगा मैं, याद रखना बात, या चार हो, एक तो हमारे पास होगा ए, एक होगा हमारे पास ई, छोटे वाला ई बड़े वाला ई, छोटे वाला ई होगा, याद रखना बात, या छोटे वाला ऊ होगा, एक होगा री हमारे पास, याद रहेगी बात, या तो ये कौन से स्वर हो हमारे पास, हर स्वर हो, एकमात्रिक स्वर भी क्या बने, एक ही मात्रा हो इनकी यार, इसकी भी एक मात्रा हो, इसकी भी एक मात्रा हो, इसकी भी एक मात्रा हो, अजय मैं मात्रा पढ़ूंगा याद रखना बात, या टोटल मात्रा है कितनी हमारे पास, दस, कितनी मात्राएं हो, दस बताऊंगा कौन कौन सी हो, इन मतलब जो टोटल मात्रा हो दस हो, ग्यारह नहीं होती, दस मात्रा हो, ए की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सारी मात्राएं देखो गौर से देखो, ए की कोई मात्रा थोड़ा ही होगी, यह भी मात्रा एक दो तीन चार, आ की मात्रा सबको नहीं पता, जैसे माँ लिखना तुम उसके पीछे आ की मात्रा नहीं आई, ये छोटी ई की मात्रा सबको नहीं पता, तुम छोटी ई की मात्रा नी ऐसे लिखोगे, नी चाहे छोटी ई की मात्रा नहीं है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखोगे, बड़े वाला नी बदतमीज है क्या, उसके बाद ऊ, ऊ की मात्रा कैसे दोगे, छोटा हो रही ऐसा, उसके बाद बड़ा वाला ऊ की, बड़े वाला ऊ की मात्रा, बड़े वाला ऊ की मात्रा कैसे दोगे ऐसा, सोनू नू ले, ये तो बड़े ऊ की मात्रा, तो ये मात्रा कितनी हो, दस, स्वर की संख्या कितनी हो, ग्यारह। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उच्चारण या समय पे लगने के आधार पर जो स्वर कितने प्रकार के हों, जब तुम इन्हें बोलना स्टार्ट करोगे ना, एक सेकंड लगे इसे बोलने में यार तुम, एक सेकंड ही सर सही, इसे बोल लेंगे दो सेकंड लगेगी तुम, इसे बोल लेंगे तीन सेकंड लगेगी, ये तो कह रहा समय के आधार पर, इसलिए तो मैं नया समय लिखा है, आधार चेंज रिजल्ट चेंज, मात्रा कहो, मात्रा देखो इनकी सबकी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा हो, 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 इसे इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, बात समझ में बताया, एक मात्रिक स्वर क्या हो, बस बता क्या हो, कौन सी स्वर हो, इन्हें लघु स्वर क्यों कह रहे, मूल स्वर पता क्यों क्या हुआ, मूल स्वर पता क्यों क्या हुआ, ये किसी से मिलकर नहीं बनते, सही बात है, ये दूसरों को मिलकर बना हुआ, समझना ही बात, या इतनी बात बताओ, कोनो प्रॉब्लम छो नहीं छो, अच्छा एक तो हो अक्सर, एक शब्द हो, एक हो अक्सर, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते, हाँ गाओ 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 गाओ, यही गाओ ना यहां से, एक हो अक्सर एक हो वर्ण, दोनों मंत्र बताओ क्या, इस दुनिया में जितने भी वर्ण है ना सारे के सारे अक्सर के अलावा, हेलो इस दुनिया में जितने भी वर्ण सारे अक्षर के अलावा, या लाइन पेपर उठाकर पूछ लगा सवाल को, इस दुनिया में जितने भी वर्ण सारे अक्षर के अलावा, वर्ण कितने, बावन, बावन के बावन क्या है, अक्षर, ये क्या है, क्या है,
यू क्या है अक्षर, यू क्या है ख, यू क्या है अक्षर, यू क्या है ग, यू क्या है अक्षर, यू क्या है प, यू क्या है अक्षर, ये तो अक्षर है, बावल के 52 वर्ण अक्षर है, लेकिन सारे अक्षर वर्ण नहीं होते, कैसे समझाओ, जो जैसे मैंने कहा आम, जिसका उच्चारण कर लिखे तो ये अक्षर नहीं है, इस शब्द पे काउंट हो जाएगा यार, ये सही बात है, अगर समझाऊंगा और अच्छे तरीके से, याद रखना मैं ये लाइन याद रखो, अभी सारे के सारे जो वर्ण है ना वे क्या कहलावे, सारे अक्षर वर्ण नहीं कहलाते, याद रखनी बात है, इतनी लाइन का काम आ गया, आगे जाएगा यो दीर्घ सवर, ये हमारे पास गुरु सवर, जब हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा यहाँ सारी बातें जो भाषा खंड वाला सेक्शन है पूरा यहाँ से, ये पूरा पक्का हो रहा है पहले से ही, वहाँ भाषा खंड का हिंदी साहित्य नहीं यूपीएससी में जब मैं उनको पढ़ाऊंगा तो वहाँ और अच्छा काम आ गए, समझ नहीं बातें, भाषा खंड वाला पूरा सेक्शन है वहाँ से पेपर में, दीर्घ सवर पता लग चुका है हर सवर कौन से हो, उसके बाद दीर्घ सवर, अच्छा एक बात बताओ, ए आ गया इसमें, ई आ गया, ऊ आ गया, री आ गया, अब दीर्घ सवर कौन कौन से, यार इसके बारे में हम पढ़ चुके, ये लिख लिया हमने इसके अंदर, ये भी लिख लिया हमने, छोटा वो लिख लिया हमने, उसके बाद री लिख, अब बताओ कितने बच गए, क्या क्या बच गया जरा बताओ मुझे, क्या क्या बच गया, आ बच गया, बड़े वाला ई बच गया, बड़े वाला ऊ बच गया, बताओ ए बच गया, बोलो नहीं, ए आई ओ औ, टोटल बताओ कितने बैठेंगे, सात बैठेंगे, सात ये रे चार ये रे, तो कितने होंगे, तो फिर ये कौन सा बारवा आ गया हो, ये क्या बीमारी, जे भाई जी आप हमको कहा बता दिए, अरे हम आपको, आप हमको बताए कि चार है ये सात हो गए, तो फिर गई ये कहां से आया, पलूत सबर कहा होता है, कहा है पागल बनाए हो हमारा, समझे, देखो चार हो गए सात ही रे, तो चार सात कितने हो गए, एक तो तरीका मैंने बैठ के याद करूं, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा किस्म ज्यादा तो स्म, कम किस्म इसमें चार याद कर लगा, बाकी ग्यारह तो हमारे याद ही थे, चार हटा दिए जो बच जाएंगे इसमें याद आएंगे, नहीं समझे, याद करूं सारे या याद करूं ऊपर वाले चार, एक मात्रिक याद कर लो, एक मात्रिक जिनमें एक मात्रा हो, ए याद कर लेंगे, ई याद कर लेंगे, ऊ और री, बाकी जो बच जाएंगे वे दीर्घ सवर होंगे, याद हो गए, चलो क्यों जी इतनी बात बताओ, और दीर्घ सवर की संख्या कितनी हो, दीर्घ सवर की संख्या कितनी हो, दीर्घ सवर की संख्या कितनी, दीर्घ सवर यो आ नहीं है क्या, हो तो आ ये कैसे बना, आ ए प्लस ए, आ कौन बोल रहा, मुंह फोड़ दूंगा, ए प्लस ए क्या बनेगा, आ, याद रहे ये बात है, अच्छा तो एक सवर ही हो रहा, एक सवर ही हो रहा, ये मूल सवर, हम ऐसे भी कह सको इन इन हम व्युत्पन्न सवर भी कह सको, व्युत्पन्न सवर, क्योंकि मूल सवर सो वे सवर जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति मूल सवर से होती है उनको दीर्घ सवर या व्युत्पत्ति सवर या व्युत्पन्न सवर भी कहते हैं, नया नाम दिया कभी भी पूछ सको, दिमाग तभी जनित हुआ मेरे, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, इक्री जनित करते रहो, हमारा दिमाग खराब करते रहो इतनी बात बताओ समझ तक, कोई कौन बोला मैम, पलूत सवर क्या हो फिर, ओम ओम का नाम सुना था तुमने, ओम का, ओम 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 शांति, ओम शांति, ये सर नो ठीक, तो पलूत सवर ये रहा पलूत सवर, तो पलूत कोई दिक्कत नहीं अंदर, चलो ठीक पलूत सवर होगा, अब पलूत सवर क्या खास बात हो, ये एक मात्रिक को इसे नाम त्रिमात्रिक सवर भी कहते हैं, दूसरा नाम है पलूत सवर का, तीन मात्रा हो सम, अच्छा त्रिमात्रिक सवर, त्रिमात्रिक त्रि मात्रिक सवर, कौन से सवर हो, त्रिमात्रिक, इसका नाम है त्रिमात्रिक सवर, इसका दूसरा नाम भी है, इसे पवित्र सवर भी कहते हैं, पवित्र सवर, हाँ याद रखना बात या, इसका नाम है पवित्र सवर, ठीक तुमने देखा कभी भी ओम ऐसे भी तो लिखो हम, हेलो ओम ओम ऐसे भी तो लिखो हम, देखो जल्दी फटाफट देते हैं स्पीड, ऐसे भी तो लिख दो हम ओम, देखियो इसे समझते हैं क्या हो, इसे पवित्र सवर या पलूत सवर क्यों कहते हैं, इसे बोलने में नहीं खाली ओम लिखा हुआ, देखो यहां क्या लगा, देखो ओम कैसे लिखो ओम, ओम ऐसे लिखते हैं सर, ऐसा करोगे, इसके सामने तीन नहीं लिखा हुआ, इसे तिगुना समय लगेगा, इसे एक सेकंड लगेगी तो इसे दो सेकंड लगेगी, इसे तीन सेकंड लगेगी बोलने में, सही बात, ये तीन गुना समय लगेगा सर,
जहां मूल स्वर को बोलने में एक सेकंड लगी, वही मूल स्वर को बोलने में 3 सेकंड लगेगी। ठीक, जैसा ये देखा तुमने कोई भी गाना मन क्या मैया, तो मैया तो ऐसा ऐसा करते चले जाओ, इसे अपूर्ण चिन्ह बोल लो, अपूर्ण चिन्ह पूरा नहीं हुआ है। तेरी गोद में सर है मैया, खिंचक नहीं है बोला, इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब मुझको क्या डर है मैया, बोलेगा नहीं, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, तुझ पे मेरी नजर है मैया, बोलेगा नहीं, ऐसा कर दो तो घर जाकर सुनना जाएगा ना, तेरी गोद में सर है मैया, समझ बात है। तो जो मां सुनोगे ना तो तुम प्लूत सवाल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओ क्या है वो, भीगी भीगी खेतों में मैं सड़क थी, क्या था वो सड़क थी यार, तुम भूल गया गाना, तुम्हारा प्लूत सवर का सुना। ओ ये क्या है वो, ये प्लूत सवर इस्तेमाल कर रहा है वो, कुछ भी मतलब ये ओ ही था, तो इस ओ की नसी रेड पिट्टी ना, समझ बात यार, इस ओ की नसी रेड पिट्टी सारे सवरमों तो निकाल कर प्लूत सवर मिलेगा खींच को। भीगी भीगी सड़कों पे मैं अच्छा तेरा इंतजार करूं, क्यों काम नहीं आ रहा, होमवर्क नहीं दे रखा मास्टर ना, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, हर स्वर दीर्घ स्वर प्लूत स्वर क्लियर हो चुके हैं यहां तक, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत का, पहचान लोगे ना, अभी मैं सुनने वाला हूं ना, चलो अच्छा, हर स्वर की संख्या बताओ कितनी हो, कितनी, दीर्घ स्वर की संख्या बताओ कितनी हो, 7, हर स्वर की संख्या कितनी, 4, दीर्घ स्वर की 7। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ बहुत गौर से समझना अच्छे तरीके से, ठीक, नोट, इसके बाद ही इसके अंदर ही चल रहा है, एक उस सजातीय स्वर, सजातीय स्वर पूछा वहां पर, सजातीय स्वर, एक हमारे पास विजातीय स्वर, जाति के आधार पर स्वर का भेद क्या है, विजातीय स्वर, एक तो सजातीय स्वर, एक क्या हो विजातीय स्वर, कोई प्रॉब्लम है तक, ठीक, जैसे हमारे पास लिखा हुआ आ, क्या लिखा हुआ, ठीक, एक हमारे पास लिखा हुआ, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, एक लिखा हुआ ई, एक लिखा हुआ हमारे पास बड़े वाला ऊ, चले अब बताओ मुझे ए कैसे मिलकर बनना, दो बार ए मिल जाएंगे, ए प्लस ए, ये भी ए है ये भी ए है, ये तो सजातीय स्वर में आएगा, कौन से स्वर में आएगा, ये दोनों कौन से स्वर, सजातीय स्वर, इतनी बात बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, एक हमारे पास ई छोटे वाली, फिर एक छोटे वाली ई, क्या बन जाएंगे मिलकर दोनों को, बड़े वाली ई, ये कौन से वाले स्वर में आ जाएंगे, सजातीय स्वर, सेम से होंगे तो सजातीय स्वर, यहाँ लिखा हुआ हमारे पास ई ऊ, बताओ कैसे मिलेगा बनेगा, छोटे वाला ऊ, बस छोटे वाला ऊ, क्या मिल जाएगा मिलेगा, बड़े वाला ऊ, इतनी बात बताओ समझ आइए, ये दोनों कौन से, ये कौन कौन से सवर, सजातीय सजातीय सवर, इतनी बात बताओ कोई प्रॉब्लम है अंत तक, ठीक, तो सजातीय सवर की संख्या कितनी हो, 3, कितनी हो, 3। अब विजातीय सवर, विजातीय सवर देखो कैसे मिलकर बनेंगे, अब मुझे बता दो जरा, ये अगर भी संधि में भी काम आएगा, ए कैसे बना, ए पता किसी को, ए कैसे बना बता दो, एक ए का कैसे बनेगा, पढ़ लो तमीज, एक तो हो ए पहले, एक हो ई छोटे वाली, ये दोनों अलग अलग नहीं है, इन्हें बोलेंगे विजातीय सवर, ये भी सवर है, ये भी सवर है, विजातीय सवर, इतनी बात बताओ समझ, ये वाला तो बताओ, बड़े वाला आई कैसे बनेगा, आई बता दो कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा, एक तो ऐ होगा, नहीं ये वाला जाएगा इसमें प्लस आई, ए ए प्लस ए आई बन जाएगा, ये यूज है, याद करने याद करने, एक सजातीय स्वर हो एक विजातीय स्वर हो, इनकी संख्या कितनी, 3, कितनी इनकी संख्या, 3, ये कौन से स्वर, विजातीय स्वर,
एक और लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, देखना इसे कैसे बनेगा। अभी पूछूंगा तुमसे, एक ऐसा एक पेपर में भी पूछ रखा है, ए का निर्माण कैसे हो, ए प्लस आई ई मिलकर आई बनाओ, ए प्लस आई ई मिलकर क्या बनाएगा, ए ए है यो आई है, आई आई नहीं आई तो फिर माता हो, याद आएगी बात ये। ओ बताओ कैसे बनेगा, ओ बता दो कैसे बनेगा, एक तो ए मिल जाएगा इसमें, एक मिल जाएगा छोटे वाला ऊ, संधि में पढ़ेंगे हम, यहाँ याद रखना बात, या संधि में पढ़ेंगे सर, अभी याद कर लो अच्छे तरीके से। एक और बताने जा रहा हूँ, आउ कैसे बनेगा, आउ एक तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ओ, क्या बन जाएगा, आउ, याद करो ना बैठ कर। ये कौन से सवर, ये कौन से विजातीय, चार है संख्या, चार तीन दोनों को मिला कितना बैठेंगे, सात, ये दीर्घ सवर, हमारे दीर्घ सवर को हमने बांट दिया ठेका लाकर। इसमें एक तो हमारे पास बैठेंगे कौन कौन से, एक तो हमारे पास बैठेंगे सजातीय सवर, एक बैठेंगे विजातीय सवर, दोबारा बैठ समझ लो। अरे भाई दीर्घ सवर चार तीन ही है ना, चार हैं, तीन चार कितने होंगे, सात, थोड़ा डेप्थ में चला गया हमें, जाना ही पड़ेगा तुम। अगर पेपर में पूछा सजातीय सवर की संख्या अंतर तीन, विजातीय सवर की संख्या अंतर कितना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, और तीन और चार कितने होंगे टोटल, सात। अब ये जुड़ जुड़ कर बनने ना, जुड़ जुड़ कर बनने, इसलिए इन्हें भी मिलाकर चार और तीन सात, और सात के साथ को हम संधि सवर भी कहते हैं, लिखा हुआ क्यों, देखो लिखा हुआ संधि सवर, कौन से सवर कहते हैं, जो जुड़ का बना ना जो सवर, उन हम संधि सवर कहते हैं। इन चारों को, तीन और चार दोनों को मिलाकर इनका नाम लिख देता हूँ, यहाँ इनका नाम संधि सवर भी है, क्या नाम इनका, संधि सवर। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, इन पूर्व को मिलाकर संधि सवर कहते नहीं कहते। अभी मैं पूछने वाला हूँ तुमसे आ और ई और ऊ और ये साथ के साथ कैसे बने हुए, अभी अपने दिमाग में ही बैठे बैठे दुरा नहीं तो कान पर छेदूंगा, गुण संधि जब पढ़ाऊंगा वहां भी यूज होगा। मैं पूछूंगा आई ए कैसे बना, जी ए प्लस ई को मिलाकर बनेगा ए, अभी याद करो से बैठ कभी, चलिए जल्दी दो मिनट तुम्हारे पास, इसे नोट कर लो वाला नीचे वाला सेक्शन, याद हो गए। अगर सजातीय सवर पूछ तो आ ई और ऊ, ये सजातीय सवर, टिक मार देना, तीनों सजातीय सवर। विजातीय सवर पूछ तो ए आई ओ औ, तो चारों। ए बता दो कैसे बनो, बता करे ए कैसे बनो, मुंह फोड़ दो, देखिए क्या है यहाँ से ई है, आई कैसे बनो, सब में ए आ रहा है, आगे लास्ट का जोड़ना हो इसमें वाला ऐड हो जाएगा, यहाँ से पता लग गया ना, आई कैसे बनो, ए ए प्लस ए, और आओ और आओ ओ, चलो कुछ तो याद हुआ तुम्हारे, कितनी संख्या उनकी भी जाती है सफर की, और दीर्घ सफर की चाटे इतने मानूंगा, सजातीय और विजातीय सवर को मिलाकर बना दीर्घ सवर, जी सजातीय सवर विजातीय सवर यही दीर्घ सवर, समझे बात ये जी नानी, क्या ये कौन सा सवर, पुलुत सवर, पवित्र सवर कौन सा हो, पुलुत सवर, क्या ओम ओम कर रही है बैठी हुई, त्रिमात्रिक सवर भी कौन सा हो, किनकी, इन्हीं कोई संख्या नहीं है, चुपचाप लिख लो आठ की संख्या, कितनी, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, आने का नहीं, लिख लो लिखना तो चले ठीक। अब क्या करेंगे, अभी से पढ़ेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर, यहाँ तक खत्म करना जी, तो थोड़ा सा ही कुछ नहीं है, 10-15 मिनट का काम, चले क्या है, हटा दो सर, भूल लेंगे नहीं सर, पक्का वादा रहा, ठीक चलो वादा रहा, एक बात बताओ सुनियो, क्या सुनियो, सुनिया सुनिया राता राता दे विच तू, आज की रा कितना भैया गाना, सुनो बात तो करो, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, फिर बढ़ेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। यार एक बात बताओ, ये 11 सवर, हाँ सर है, इसमें तो जो 11 सवर है ना, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ क्या हो, ओष्ठ कहते हैं होठ को, होठ की आकृति के आधार, ध्यान सुनना चतरे, ध्यान से सुनना, ये दो प्रकार के हो, कितने आसान है देखो, कितने आसान है जल्दी देखो, कितने आसान है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर पहले कहते हैं कुछ, इसमें 11 वर्ण है, 11 तो सवर है, हाँ 11 सवर, जब तुम बोलोगे ना इसमें से ना कुछ ऐसे वर्ण कुछ ऐसे सवर उन्हें बोलते वक्त तुम्हारे होठ गोल गोल हो जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा, अभी बोल के देखो, बोल कर देखो ओ, और अपने देखो ऊ, बोलो देखो ऊ,
सही होठ तुम्हारे गोल गोल नहीं हुए, और जिनमें तुम्हारे होठ गोल गोल नहीं होंगे वे जिनमें जिस सुन जाने जाकर जिस स्वर को बोलते समय तुम्हारे होठ एक गोलाकार आकृति धारण कर ल तो उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं, ठीक। और जिसमें गोलाकार आकृति धारण नहीं करते उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ई बोल का देखो, और ई बोल का तुम्हारे होठ कहीं गोल गोल हो रहे, अब आधे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे हमने होठ को, सही बात है। ई बोल का गोल गोल दोबारे में कर दूंगी, देखो बड़े वाले ई बोल का दिखाओ मुझे, ठीक कर दोगे मैंने, समझ बात है। उसके बाद बड़े वाले ऊ बोल का दिखाओ, ऊ बोलने में गोल गोल हो रहे होठ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पर एक तो वृत्ताकार स्वर हो, हेलो वृत्ताकार वृत्ताकार, एक हो अवृत्ताकार। इनका दूसरा नाम ही बता रहा हूं, पेपर में एक बार दूसरा नाम पूछ लिया था, वृत्ताकार। इन्हें बोलते हैं वर्तमुखी, वर्तमुखी, चंद्रमुखी नहीं वर्तमुखी, याद रहेगी बात यह क्या, ये भी ठीक वर्तमुखी। दूसरा नाम क्या इसका, आवर्तमुखी। ये दूसरे नाम इसके। अब इसके अंदर ना मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वृत्ताकार मुखी कौन कौन से हो, मैंने गोलाई बना लिया, यानी जब आपके जो ओष्ठ होंगे क्या होंगे, ओष्ठ होठ जिसे कहते हैं लिप्स आपके, ठीक। लिप्स की आकृति कैसी हो जा, गोल हो जा, क्या इन वर्ण का वे वर्ण, हेलो वे सवर वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त होठ की आकृति गोल हो जाती है उनको वृत्ताकार या वृत्तमुखी सवर कहते हैं, याद रहेगी बात है। नाम लिखने जा रहा हूं इसमें चार, और चारों के नाम याद कर लेने, एक तो छोटे वाला ऊह, एक बड़े वाला ऊह, एक छोटे वाला ओह, एक तो ओह, एक तो ओ है हमारे पास, एक औ, ले कितने होंगे वृत्ताकार मुखी, कितने हो, चार हो, कितने हो टोटल सवर, कितने हो, कितने हो, अब बता चार हटा लो कितने बच जाएंगे यहां से, तो सात के साथ के नाम याद करने की जरूरत नहीं, चारों के याद कर लो, बुद्धिमान व्यक्ति चारों के नाम याद करेगा, और क्या अवृत्ताकार मुखी को भी बैठ के याद करेगा, समझ वो याद कर लगा, अच्छा चार हो वृत्ताकार हो कॉमन सेंस लगा लगा, वो जब चार ये हो, एक तो हमारे पास ऊ हो, एक बड़े वाला हो, एक छोटा वाला हो, एक बड़े वाला हो, एक ओ हो और एक आऊ हो, तो बस उसके बाद याद नहीं करने का, वो खुद ही टिक मार देगा, ये सर नो बस खत्म होंगे ओष्ठ क्या करती के आधार पर, इतना सही था बस, और क्या था इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इसमें जीवी ये बना लिया तुमने गोला सा, नोट तो बना रखा है, बनाओ सा नोट में नहीं बना रखा, देखो अब समझेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार। ये हमारे पास 11 बात मत करो, 11 स्वर हो, कुछ ऐसे इसमें जो जीव के अगर भाग से बोल ले जा, ये जीव है ना तुम्हारी, उसका जो अगले वाला हिस्सा निकाल लो, नहीं जीव निकाल लिया, ऐसे लगे जैसे काली माता लग रही हो तुम देखो जब हमारी जीव हो ना, इसका अगर भाग हो, ठीक, ये हमारा मध्य भाग हो, ये हमारे पास पश्च भाग हो, लास्ट में लास्ट में क्या हो, घंटी से टेंगे रहने, गले के अंदर घंटी से टेंगे रहा, उसे काकल बोल रहा, काकल काल नहीं काकल, जो अगले वाला भाग होने हो, जहाँ दांत हो उसके ऊपर का जो भाग हो, जो दांत हो ना उसके ऊपर का जो भाग हो, ठीक, वो काम करनी है, सही बात है। उस तो जो पीछे सही बात है, उसके ऊपर तालू बोल लो वो भी काम करनी है, उसके नीचे जो जीभ उसका अगले वाला भाग हो काम का, उसे जीभ का अगर भाग बोल लो, अगर भाग, अगर इसे बोल लो मध्य भाग, इसे बोल लो पश्च भाग। अच्छा तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवर हो ना, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवर हो वे भी तीन प्रकार के हों, कितने प्रकार के हों, तीन प्रकार के, इसे भी समझ लेते हैं। चलो भाई तीन प्रकार के कौन कौन से, तीनों का नाम लिखने जा रहे हैं, उन्हें देख कर नाम लिखेंगे। पहला अग्र सवर, अग्र सवर, ये पहला हमारे पास। दूसरे पे चले जाओ, दूसरा हमारे पास होगा मध्य सवर, मध्य सवर। तीसरे पे चले जाओ हमारे पास, तीसरा होगा हमारे पास पश्च सवर, पश्च, ये सर नो। अग्र सवर कौन सा होगा हमारे पास ये भी देखना, मध्य सवर कौन सा होगा ये भी देखना, पश्च सवर कौन सा होगा ये भी देखना। अग्र सवर हम किसे कहते हैं, मध्य सवर किसे कहते हैं, पश्च सवर किसे कहते हैं, तो इसमें याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, हम बच्चा बहुत कन्फ्यूज हो, उसे पता ही नहीं कौन सा अग्र सवर कौन सा मध्य सवर। कुछ जब तुम 11 सवर में से कोई सा एक उठा के बोल लोगे ना, जैसे तुम ए बोल के देखो ए, तो तुम्हें क्या लग रहा है, जो जीभ के तुमने अगले वाले भाग से बोल रहा है, मध्य वाले भाग से बोल रहा है या पश्च भाग से बोल रहा है, अंदाजा लगाओ।
बोल लो, मध्य भाग से बोल रहा है। सही बात है, कौन से भाग से बोल रहा है? बस एक ही जो मध्य भाग से बोले जा, कुछ ऐसे जो अग्र भाग से बोले जाएंगे, कुछ ऐसे जो पश्च भाग से बोले जाएंगे। जैसे मैं कहने जा रहा हूँ, तुम ई बोल कर दिखाओ। चलो अगले वाला भाग यूज हुआ, पीछे वाला भाग नहीं हुआ, तो कौन सा भाग हुआ? ई यूज हुआ। याद रहेगी बात है। बड़े वाला ई बताओ, एक और बताओ कोई, उसका नाम बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें। री, री में अगले वाला भाग यूज हुआ, री। एक और बताओ, ए, ए में अगले वाला भाग यूज हुआ। सही बात है, बड़े वाला ए, ए और आई, आई भी तो ए आई दोनों हुए। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आता? हाँ दादी, होगा ई बोल कर देखो, कौन सा वाला भाग यूज हुआ? ये, और बड़े वाला ई बोल कर देखो, री बोल कर देखो, ये वाला बोल कर देखो, ये वाला बोल कर देखो, ए बोल कर देखो यार, कौन सा वाला भाग यूज हुआ? बीच वाला। आज देखो, चाहे अगले वाला भाग यूज हो रहा, बीच वाला ही बोलना है, चाहे अगले वाला भाग यूज हो रहा, बीच वाला ही बोलना है। अच्छा, ये नियम पता कहाँ फाइल हो जाएंगे? जिसकी जीभ कटी हुई हो। पश्च सवर देखो, जो बच गया ना, इसमें कितने आएंगे बताओ? पांच तो इसमें आएंगे। ये पूछा हुआ अग्र सवर की संख्या कितनी हो? पांच। इतना बदतमीज आदमी सवाल पूछने वाला। इसकी संख्या कितनी हो मध्य सवर की? एक। पांच और चार कितने? पांच कितने हो? छह। टोटल सवर कितने हो? अब बताओ कितने बच गए? तो पश्च सवर की संख्या कितनी हो? पैसे पांच। याद रखने का नाम बताओ, इनके पश्च सवर कौन कौन से हो, पहचानने में दिक्कत खड़ी हो जा। जिसमें तीन क्या करती बनेंगे बताओ? कौन कौन से बचे? तीन क्या करती इसमें? एक तो ऐब, देखो तीन नहीं बनता शुरू में, तो बस याद आ जाएंगे। देखो देख, उसके बाद आ, इसमें देखो तीन क्या करती बनना शुरू में, और बताओ ऊ, और बताओ बड़ा ऊ, तीन क्या करती नहीं बननी समय शुरू में, और बताओ ओ आउ, देखो तीन तीन क्या करती नहीं बननी समय पश्च सवर, याद हो जाएंगे। याद हो, अच्छा ये वाला, हाँ इसे हटा दो, ये वाला हटा ना। अब सही है, कितने हो गए? पांच हो गए, नहीं हो गए कोई प्रॉब्लम। अब बताओ जीबी की रचनशीलता के आधार पर जो हमारे सवर हो कितने प्रकार के हो? तीन। एक अगर सवर होगा, मध्य सवर होगा, पश्च सवर होगा। तो अगर अगर भूल भी गए ना, तो वहां पेपर में पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया उठाकर कि बताओ जो ऊ हो वो कौन सा सवर हो, तो तुम दिमाग में आया अच्छा तीन क्या करती बननी, अच्छा पश्च सवर हटाओ। उसने तुम्हारे दिमाग में उन्होंने पूछा जो ओ हो हमारे पास, ये कौन सा सवर हो? जीबी की रचनशीलता के आधार पर बताओ कौन सा सवर हो? पश्च सवर हो। तो आंसर टिक पश्च सवर में मार दो, क्योंकि ये तीन क्या करती वाले, याद रखने का ट्रिक। अब मध्य सवर एक ही हो, कौन सा हो? ए। याद रहेगी बात यार, जब पेपर देने जाओगे तो इतने भी वोट नहीं है कि जो नोट्स रिविजन नहीं करके जाओगे, करके ही जाओगे। अभी ये पढ़ा दिया मैंने, जरूरी हो, आज चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया, घर जाकर इसके 100-150 सवाल लगाने कम से कम तुम, अगर दुनिया से आगे निकलना तो 150 सवाल लग जाने चाहिए इसके, जब जाकर पता लगा तुम क्या पढ़ाया था। समझ गए, मैंने पढ़ाया नहीं, सिर्फ याद करवाया तुम्हें, पढ़ा कोई भी देगा, इसलिए आराम आराम से इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। हटा दूँ चलो यहाँ तक, पूछ लूँ सवाल। अगर सवर कितने टोटल? अगर सवर पाँच। मध्य सवर कितने? पश्च सवर कितने? पश्च सवर पहचान लो कौन सा होगा, कैसी आकर हो उसकी, तीन आकर। मध्य सवर कितना हो? एक ही हो। बाकी जो बच जाएंगे कौन से सवर? अग्र सवर। बोल के भी देख सको उच्चारण करते वक्त, समझ आई बात है? हाँ, एक बार बच्चे में मेरे तो पढ़ के जाते नहीं आती, वहाँ पेपर बैठ के बोल ले ई, मैडम कह रही है क्या कर रहा है यहाँ से, नहीं जी मैं वो सवाल कर रहा था, हमारे मास्टर ने पढ़ाया था। हटाओ। अब तालू के आधार पर, तालू सालू नहीं, तालू के आधार पर चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर तालू के आधार पर। तालू क्या हो? किस चीज को हम तालू बोल लो, किस चीज को हम तालू बोल लो? यार एक बात बताओ, करे ये हमारे दंत हो, दांत के पीछे मुर्दा हो, मसूड़े, ठीक, उसके ऊपर का जो ये हमारे पास ये बीच में घंटी से लटकी रहा काकल, इसके जो बीच का भाग होगा ना पूरा का पूरा, इसे बोलो तालू। तालू, तालू बोल रहा हूँ, यस और नो? अब देखो हम यहाँ पढ़ेंगे, हमें तालू के आधार पर है, लिखेंगे तालू के आधार पर, तालव्य भी कह दो, तालू के आधार पर सवर के भेद ये हो चार, कितने? चार, एक दो तीन चार, ये भी समझते हैं कौन कौन से हो। एक तो संवर्त, एक हो विवर्त,
समर्थ सवर भी क्या सकता, समवर्थ सवर, विवर्थ, एक और तीसरा नंबर पर हमारे पास अर्धसंवद। अर्ध विवर्त, ठीक, कोई प्रॉब्लम है तक? संवर्त सवर होगा, विवर्त सवर्त होगा, अर्धसंवर्त सवर होगा, अर्धविवर्त सवर्त होगा, कोई प्रॉब्लम? अब सवाल है किस हम संवर्त सवर कहते हैं, जब तुम्हारी देखो यहाँ इतना हिस्सा हमारे पास नीचे इसके जीभ हो गया, होती नहीं होती है ऐसे, होगी जीभ या जीभ होगी तुम्हारी, ठीक ऐसे लट, कभी कभी तुम जब कोई सवर इसमें मतलब 11 सवर में तो बोल लोगे ना, हो सकता ये जीभ पूरी की पूरी जाकर यहाँ दांतों पर लग जा, तो पूरा हिस्सा मुंह बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब मुंह बंद हो जाएगा ना, बंद होने को कहते हैं संवर्त, जो ओपन होने से कहते हैं विवर्त, हो सकता मुंह खुला हुआ पूरी तरह, जब तुम किसी सवर को किसी सवर का इसमें तो उच्चारण कर रहे हो, बोल कर देख रहे हो, सर मुंह खुला हुआ हो उसे कहते हैं विवर्त सवर, इसलिए मैं लिख देता हूँ संवर्त सवर को, मैंने दूसरा नाम भी लिख रखा है ना सर, इसे खुला भी कहते हैं, समर्थ को कहते हैं बंद, बंद सवर, समर्थ शब्द का अर्थ ही बंद हो, विवर्त का मतलब हो खुला, ये सर नो। अब बताओ समर्थ सवर कौन कौन से हो, एक तो हमारे पास बैठा का ई, ई ए बैठा का बड़े वाला ई, और बताओ क्या बैठा का ए, कुछ भी उ, एक बट्टा पे बड़ा उ, एक बैठा का री, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच, इनकी संख्या पाँच, एक बार पेपर में सवाल पूछा हुआ जो संवर्त सवर हो या बंद सवर हो उनकी संख्या कितनी हो, उनकी संख्या हो पाँच, ई बड़े वाला ई, छोटा वाला ओ बड़े वाला हो, री बोल कर देखो कर एक ई को, जब तुम ई बोल लेते तुम्हारी जीभ टच कर जा रही ऊपर, बिना जीभ टच करो ऊपर बोल कर दिखाओ सर, बड़े वाला ई बोल कर देखो, तुम्हारी जीभ है जीभ नहीं लाओ, अब बोल कर दिखाओ मुझे, अब बड़े वाला ऊ बोल कर दिखाओ, ऊ बोल कर दिखाओ, ऊ जब ऊ बोल लेते ना जीभ ऑटोमेटिक ऊपर मुड़ जा रही, जीभ में ऊपर ना मुड़ो, हैं बोल कर देखो, रोको जीभ को, क्या क्या कर रहे हो, ऊ उसके री बोल कर दिखाओ, री 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 सारों में ऐसा ही होगा, तुम्हारी जीभ में फर्क है, मजाक नहीं कर रहा, एक काम करो आप बोल के देखोगे ना तो पूरा मुंह खुल जाएगा और जीभ भी खुली है मुंह भी खुला हुआ, समझ बात क्या, तालू तालू के ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा जीभ और दोनों खुले हुए इनके बीच में गैप है, उसे बोलते हैं हम विवर्त सवर, विवर्त सवर की संख्या एक ही हो, विवर्त सवर एक ही हो, याद रहेगी बात क्या, अब देख लो जीभ जब आधी खुली रहेगी, आधी जब जीभ आधी खुली रहेगी इसे समझ लो कैसा होगा, अर्धविवर्त, जीभ जब आधी खुली रहेगी इसकी संख्या बताओ कितनी होगी, बताओ कौन कौन से होंगे, एक तो ए होगा, ओ होगा, और दो ही ना, ये सही है ना, एक और बताओ अर्धविवर्त कौन, ए जो बच गए इसमें आ जाएंगे ना, ए बड़े वाला आई, ये बैठेंगे याद करो इन्हें फटाफट से तेज स्पीड से याद करो कौन कौन से, इनकी संख्या बताओ कितनी, इनकी संख्या एक, इसी कितनी दो, इसी कितनी तीन, ये सर नो, तो चार हमारे पास, चार प्रकार के हमारे पास सवर हो गए और चारों के चारों तुम्हारे सामने लिखे हुए बोर्ड पर, ये सर नो, कोई प्रॉब्लम तक, तालू के आधार पर जो सवर के भेद हो कितने हो पहचान लोगे, ठीक, अब बताओ संवर्त सवर कौन से हो, जब मुंह प्रत्यय बंद हो चुका हो, इन्हें याद कर लो बस, इन्हें याद कर लो बहुत जरूरी है, संवर्त सवर छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, रट्टा मार लो उनका, बड़ी री कितने हो गए पांच, संवर्त सवर याद करने की टेक्निक बताऊं इनकी, इन्हें याद करने की टेक्निक बताऊं, क्या टेक्निक होगी, छोटी ही बड़ाई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, और क्या ऐसी याद करने की, हर जगह टेक्निक चाहिए तुम्हें, विवर्त विवर्त याद करने की टेक्निक बताऊं, विवर्त याद करने की टेक्निक बताऊं, इससे पहले चट्टाना मार दो तुम्हारी गाल पे, आ अच्छा एक तो हो आ और एक हो इस तरह का आ, ओ नहीं है, ओम नहीं है, यो भी सवर एक प्रकार का, लेकिन इसका नाम पता क्या है, पेपर में पूछा हुआ एक बार, यो इसे बोलते हैं विदेशी सवर,
विदेशी सवर, सवर इसे ना मेहमान सवर भी कहते हैं। ए बात ऐसी है अपने घर जैसी है, दूसरी भाषा में तो अंग्रेजी भाषा में तो चल के हमारी हिंदी में प्रवेश करा है, सही बात है। ये अंग्रेजी भाषा से चल के आया हुआ, जैसे तुम ऑफिस लिखते हो तो ऑफिस कैसे लिखते हो जरा बताना मुझे, ऐसे लिखते हो ऑफिस, सही बात है। तो ये हमारी हिंदी में प्रवेश कर चुका, बधाई हो आपको, आपको उसका वेलकम करना ही होगा। अब सही इसमें क्या बधाई, तो हमारी हिंदी में प्रवेश कर चुका है, इसे मेहमान सवर, विदेशी सवर या आगत सवर, आने वाला सवर भी कहते हैं। आ जाओ बाबू आ जाओ, आ गए आप, हाँ आ गए, क्या नाम है आपका, जी हम विदेशी सवर हैं, यस सर नो, ठीक। तो अब मैं ये पूछने जा रहा हूं तुमसे, क्या बता रही, फॉरेन सवर, हिंदी की बेइज्जती कर रही, चाटा मारूंगा हिंदी बोल तू सीधी, ये याद हो गए, मुझे ऐसे लग रहा है तुम संवर सवर भूल गए, मुझे ऐसा लग रहा है विवर सवर भूल गए तुम। इसका एक और नाम बताया मैंने भी, इसका नाम बताया मैंने भी, चाटे इतने मारूंगा, देखिए वहां पर चंद बिंदु लगा हुआ, उसका ऐसा कोई बिंदु लगा हुआ, आधा चांद बना हुआ वहां से, चंदले बदल दूंगा चट्टा मारेगा, मैं जानबूझ के बताया, वो अलग चीज है, देखो उसके ऊपर क्या लगा हुआ, इतनी बात बताओ कोई प्रॉब्लम हिंद तक, कोई प्रॉब्लम, चले इसमें दिक्कत नहीं है, यह और रह ये भी सबर की कैटेगरी मानते हैं, एक तो यह हो हमारे पास, एक हमारे पास रह हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो ना कौन से सबर कहते हैं, ये कल का तुम्हारा होमवर्क, एक तो हो यह और ये रह, मैंने कह रहा हूं है यह और वह, अच्छा वह, हाँ वह था सर, यह हाँ रह नहीं है वह, ये भी सबर की कैटेगरी मानते हैं, कौन से सबर हैं, इनको हम अर्ध सवर कहते हैं, समझे, बात ना करो। अब एक बात और समझ लो ध्यान से, इतना हिंदी में ही बताओ समझ में आई नहीं, यहां तक नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा, जितना भी समझाया पूरा का, कोई प्रॉब्लम, अब कंटिन्यू क्लास चलेगी। आज शाम को पता क्या होगा, आज शाम को व्यंजन पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, आज मैंने खत्म करवा दिया पूरा का पूरा सबर वाला पार्ट, पूरा याद होना चाहिए सर आयो, इसके 150 क्वेश्चन कम से कम लग जाना चाहिए, 150-200 क्वेश्चन, समझ गए, आज ग्रुप में क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ये सर नो, और शाम को जो व्यंजन वाला वो पूरा सेक्शन खत्म होना, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में, यू कैन गो टू होम।